अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अब आज से शुरू करने जा रहे हैं हम अपना सीजन 14 यानी कि सीजन 14। रमजान लीग को हमने सीजन काउंट नहीं किया, इसलिए अब है आज से शुरुआत हमारे नए सीजन की। और ये पूरा सीजन हम अपनी टीम्स के साथ ही खेलेंगे और गेम्स बड़े मुश्किल से मुश्किल बनाए। हमने कोशिश की है कि इस बार इनको बड़ा टफ टाइम दे। वन बाय वन आज की सारी टीम्स को बुलाएंगे। सबसे पहले टीम इंस्टाग्रामर्स, आइए। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? सर मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास हूँ। कैसी है दुआ? अच्छा दुआ, उसामा और ज़ैन की टीम बनाई गई है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? वालेकुम सलाम, खैरियत से हो? काफी दिनों के बाद आए हो यार। जी सर। सर जरा तो गेम से काफी दूर थे या तुम फिट हो, खेल लोगे सारे? सर फिट हो सर, इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि शायद एक आध हफ्ता लगे तुम्हें, लेकिन तुम इतने अच्छे प्लेयर हो कि मुझे पता है कि तुम वापस आ जाओगे। और फिर जब एक्टिंग सेगमेंट होगा, सिंगिंग सेगमेंट होगा, तो उसके लिए तुम्हारी टीम तैयार है? दुआ तो बिल्कुल तैयार है गाना गाने के लिए और हम सब भी तैयार है एक बार फिर से वही मधुर आवाज सुनने के लिए। क्या करेंगे गाना सुन के? क्या करेंगे गाना सुन के? मैं तो कह रहा हूँ आप बोले तो छोड़ देते हैं गेम शो है। अच्छा जी, अब ये शुरुआत हो रही है नई सीजन 14 की आप लोगों के साथ। टीम इंस्टाग्रामर्स जबरदस्त टीम है बजाहिर, देखो, क्योंकि ये दुआ वो एक साल पहले वाली दुआ नहीं है। ये दो बार फाइनल, दो या तीन बार फाइनल खेल चुकी है और ये सारे, और जीत भी चुकी है, चैंपियन बन चुकी है और सारे गेम जबरदस्त खेलती है। तुम चैंपियन बने हो अभी तक? एक दफा मैं नहीं बना, उसामा नहीं बना अभी तक। उसामा हमेशा एंड तक लड़ता है, आखिरी मैच तक, लेकिन ये बड़े मैचेस हार जाता है। अब तुम दोनों का काम यह है कि इसको इसके साथ मिलकर एंड तक इस टीम को लेके जाओ और इस बार बेल्ट उड़ा लो। ऑल द बेस्ट गाइस, बैठो। नेक्स्ट टीम जी हमारी है टीम चैंपियंस। आइए बुलाते हैं चैंपियंस को। इतने से थे जब से हम और हमारी पूरी टीम, ये दोनों उस वक्त से इस गेम शो का हिस्सा है। बल्कि मैं तो अगर ये भी कहूँ ना कि इतने सा थे फैसल, तो भी गलत नहीं होगा। ये इतने पुराने दोनों प्लेयर। तो भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक है दानिश भाई, और आपको ईद मुबारक। मैं आ नहीं सका था ईद पे। ईद मुबारक कौन सी मुल्क में भी गुजर गई ईद दानिश भाई, उसके लिए ईद मुबारक। ईद तो हो गई, चांद रात भी गुजर गई, 3 शोज भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट सीजन जो हमारा गुजरा वो ये था कि लास्ट सीजन में एक बहुत टाइम बाद कमबैक हुआ था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था फ्लोर पे ग्रूम करने का और गेम्स खेलने का। तो इंशाल्लाह ताला अभी हो गए हम, तो इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू करेंगे लेगेसी जो अपनी पहले हुआ करती थी चैंपियंस की। हाँ भाई उमैर, मैं वेलकम करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर मैं गेम में नहीं था इस टाइम, मगर मैं सारे गेम देखता था बैठ के और देख के ऑब्जर्व करता था कि किस तरीके से खेलना है। तो इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और बाकी पुरानी टीममेट भी, आमिर भी आ गया और नीरज तो अच्छा ही खेलती है। इरज जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन है हमारे गेम शो में, क्योंकि जब इरज नई नई आई थी तो मुझे इसकी पोटेंशियल का उतना अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा था सही है, नई लड़की है, थोड़ा टाइम लग गया खेलेगी, लेकिन ये एंड तक पहुंच गई थी टीम को लेके। और एक और चीज़ इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इतने पैशन के साथ खेलती है हर गेम को कि मैं हर गेम का 1 या 2 पॉइंट उड़ा लूँ। और इनमें एक चीज़ देखी थी मैंने कि जो भी गेम अगर अच्छा नहीं भी खेल पाती थी ना, तो इतना फोकस करती थी कि मैं वो क्यों नहीं खेल पा रही, नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलूं। हाँ बहुत अच्छा खेलूं, तो इनमें वो चीज़ बहुत अच्छी थी। अब एक बात, ये तो खैर नई प्लेयर है, अब खैर नई प्लेयर नहीं रही है। अब तुम लोगों के साथ जब आगे फर्दर खेलेगी तो आई एम श्योर ये और मजीद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उमैर और आमिर तुम दोनों गेम शो के सबसे पुराने प्लेयर्स में से हो। जोक्स अपार्ट, जितनी बातें मैं तुम लोगों से करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये तुम चैंपियंस की जो कमान है ना वो अपने कंधों पे रखे हुए हो। जी सर। और इट्स बीन अ वाइल नाउ, बहुत अरसा हो गया तुम लोगों को चैंपियन बने हुए, एक वो पैशन दिखाते हुए जिसकी दुनिया फ़ैन थी, बहुत सारे बच्चे तुम लोगों के फ़ैन थे इसीलिए कि तुम दोनों बहुत ही पैशन के साथ खेलते थे हर गेम। और ये कॉम्बो चैंपियन बना है शायद एक दफ़ा, तुम दोनों बने हो मिलकर एक दफ़ा सर, दो दफ़ा ये गेम कॉम्बो चैंपियन बन चुका है। तो तुम्हारे पास जो सारा ये प्रोसेस होता है चैंपियन बनने तक का, इसकी सारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तुम्हारे पास हैं। अब तुम्हें करना ये है कि तुम्हारा जो नया प्लेयर है इसके साथ मिलके इस टीम को एटलीस्ट फाइनल तक लेके जाना है। मैं ये चाहूँगा, मैं भी और जितने बच्चे तुम लोगों को देख रहे होंगे, कि अब इस बार ये चैंपियन वो चैंपियन निकल कर आए जो हमारे सीजन 1 के थे। तुम लोग को याद है तुम लोग क्या थे, अपने पोटेंशियल को याद करना। ऑल द बेस्ट गाइस। आइए आज की तीसरी टीम को बुलाएंगे, टीम टिकटॉकर्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं हमाद मियां? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई फाइनल, क्या शानदार फाइनल खेला दोनों ने, और नजर आया दो बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं। यार ये तो पहुंच चुकी थी कई दफा फाइनल के अंदर, लेकिन हमाद की मुझे खुशी इसलिए हुई कि हमाद ने पूरा सीजन दिल पे लेके खेला है, पूरा सीजन जबरदस्त खेला है और एंड तक खेला है, लेकिन एंड में जिसके साथ किस्मत थी वो जीत गया। उस बात का गम भी नहीं है और आई एम श्योर तुम दोनों को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि तुम लोग इस चीज़ का मजा चख चुके हो कि जब फाइनल तक पहुंच जाते हैं एक लाइन होती है, इसे क्रॉस करनी होती है, अनफॉर्चुनेटली वो तुम लोग क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ तक पहुँच गए हो। इस बार इनमें से किसी को करीब ना आने देना, वो लाइन तुमने जंप मार के क्रॉस करनी है। इस बार जो मेहनत होगी वो पिछली बार से थोड़ी और ज़्यादा होगी, क्योंकि शायद किस्मत जो है वो तुम दोनों से, इनफैक्ट तुम तीनों से अब कुछ ज़्यादा मांग रही है कि यार थोड़ी सी और मेहनत करके दिखाओ तो शायद चैंपियन बन जाओ। तैयारी कैसी है मान? दानिश भाई फुल प्रिपेयर हो क्या है? मैं और फजीला, हमारे साथ एक नया कंटेस्टेंट है हमजा, और वो भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, पहले एक दूसरे गेम शो का पार्ट था ऊपर, तो हाँ बस ये है वेरी कोऑर्डिनेटेड सी टीम है। फजीला जी सर, फाइनल हार गई थी तुम, उसके बाद जितना तुम रोई हो उसकी फुटेज भी काफ़ी वायरल हुई है, लेकिन अब क्या इरादा है तुम्हारा इस सीजन के अंदर, तुम्हें किस किस को हराना है? सर पहले तो कशफ को हराना है क्योंकि उनसे हम लोग फाइनल हारे, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस बार मतलब खेलने ना दूं, क्योंकि हमने शुरू में शायद उन लोगों ने खेल लिया तो इस चीज़ का उनको फायदा रहा, जो मैं इसको भी कह रही थी। और लेकिन एक फायदा और होता है, अगर तुम लोग ज़्यादा मैचेस जीतोगे तो तुम लोग एलिमिनेटर नहीं खेलोगे, दो चांसेस होंगे, क्वालिफायर खेलोगे। तो कोशिश ये करना कि पहले जो टारगेट हो वो क्वालिफायर तक पहुँचने का हो। हमजा मियाँ कैसे हो तुम? शुक्र मैं ठीक। हमजा, मुझे ये नहीं पता है कि वो किस लेवल का प्लेयर है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि हमजा एक शानदार डांसर है, क्योंकि जब अभी मेरा चांद तारा शूट हुआ था तो हमजा मेरे साथ डांस कर रहा था उसके अंदर, तो मुझे इसका पोटेंशियल पता है। एज ए डांसर ये कैसा है, एज ए प्लेयर आप कैसे हो, ये मैं आपको इन 3 शोज़ के अंदर देखूंगा, फिर डिसाइड करेंगे कि आपका क्या होने वाला है हमारे गेम शो को लेकर। लेकिन यार मुझे लगता है कि अगर हमाद तुम्हें रिकमेंड कर रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो शायद हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी। हमजा ऑल द बेस्ट। हमाद जो है वो चाहता है कि तुम दोनों को साथ लेके इस बार फाइनल तक पहुंचो और चैंपियन बनो। ऑल द बेस्ट। चलिए जनाब, अब बुलाएंगे हमारी वो टीम जो कि चैंपियन बनी, जिसने जो तुम्हारी टीम का नाम क्या था दुआ? लाइकर्स को भी हराया था और फाइनल में टिकटॉकर्स को भी हराया, चैंपियंस को भी हराया। अच्छा आप जीते थे, लेकिन जो फाइनल जीत गया हमारे लिए वही सिकंदर होता है, हमारे लिए वही चैंपियन है। इसलिए जब चैंपियन आते हैं ना, जब रिंग के अंदर चैंपियन आते हैं और उनके पास बेल्ट होती है, तो भाई बचता है हमारा फाइनल काउंटडाउन, और साथ साथ जितने प्लेयर्स हैं, मतलब कि जितने प्लेयर्स हैं वो खड़े होके तालियां बजाते हैं। तो बजाओ तालियां, बुलाता हूं टीम यूट्यूबर्स, आइए। भाई ये है टीम यूट्यूबर्स, इस बार ये 2 प्लेयर से खेलेगी। देखो है कशफ के दांत क्यों? कशफ तैयार हो गए माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही है। देखो ये आई है आज ये बताने के लिए, देखो जब चैंपियन बन जाते हैं तो कितना फर्क पड़ जाता है। कशफ और इमरान भाई आप लोग बैठ जाएं प्लीज, आप बैठे, आप लोग बैठ जाएं प्लीज, आप सीट्स बैठ जाइएगा। हाँ भाई इमरान मियाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजरी तुम्हारे वो दिन और रातें जब तुम चैंपियन बन गए उसके बाद? सर सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चैंपियन बन गए, और इसकी खुशी इतनी थी कि अगर मैं हार जाता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता और मैं ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि सर लास्ट 3 सीज़न से जब हारता हुआ आया तो ये मेंटली और हार्टली मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इससे सीरियस ले चुका था कि 3 दफ़ा मैं हार चुका हूँ, लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा बेहतरी ये रखी कि अल्लाह पाक ने पूरे साल में जो एक बार रमजान लीग आता है, जो सबसे बड़ा मैच कहलाता है, अल्लाह पाक ने उसमें मेरी इज्जत रखी। तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़बरदस्त, लेकिन खेले भी तुम लोग ज़बरदस्त है। साथ दिया था कशफ ने और कशफ बड़ा जबरदस्त खेली थी यहाँ पर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहती थी मैं दुनिया घुमा दूंगी, बताओ दुनिया घुमाने के चक्कर में थी, लेकिन जबरदस्त खेली हो कशफ और हर एक पॉइंट के लिए तुम लड़ती भी नजर आई थी पूरे रमजान लीग के अंदर, स्पेशली फाइनल के अंदर। मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम और फजीला, क्योंकि एक अच्छे दोस्त हो आपस में, तो कहीं ऐसा ना हो यार चलो यार मैं हार रही हूँ तुम जीत जाओ, जब तुम हारने लगोगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहीं नजर नहीं आया, बड़ा जबरदस्त फाइनल था मेरे हिसाब से, किस्मत ने साथ दिया। अच्छा एक चीज और, इमरान का जो रिएक्शन था जब मैंने दिखाई है आखिरी गेम चेंजर के आप जीत गए हो, रिएक्शन इसका तकरीबन 3 सेकंड्स के बाद आया, जैसे वो ट्यूबलाइट खराब नहीं जाती थोड़ी देर बाद जलती है, सर, वो हुआ था। सर हुआ ये था कि मैं बिल्कुल भी ना मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद हम लोग जीतें। उसके बाद मैं अकबर से मैं पूछता रहा हूँ, मैंने कहा कौन जीता है, इवन कि आपने बॉक्स दिखा दिया लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जीता हूँ। और उस वक्त बिल्कुल यहाँ था ही नहीं एक्चुअली, बिल्कुल नहीं था, मैं कुछ और सोच रहा था, ये पता नहीं कहा था हमने दिखाया ये बहुत देर के बाद। अरे जी सर ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल ऑफ चल रहा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं इतना था कि अगर थोड़ी देर हो रुकती मैं रो जाता। और मैं सर मैं लास्ट सीजन से मैं कभी नहीं रोया, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था कि मैं रो रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ भाई कशफ। अच्छा मैं जब हमारा जब फाइनल मेरे अपने दोस्तों के साथ जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और सभी को पता है सभी हैं सब हैं, लेकिन वो वाले दोस्त मेरे सबसे अलग हैं। तो मैंने ये सोचा था कि सच में आपकी ये बात बिल्कुल सच है, मैं आपकी इस बात को डिनाई नहीं करूँगी। मैंने यही सोचा था वो लोग जीते हम लोग जीते, खैर है ये सोचा था। लेकिन जब मैं फ्लोर पे आते ना, हाँ लेकिन जब मैंने इमरान ने जब मुझे ये कहा ना कि कशफ मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे पूरे रमज़ान अच्छा नहीं गया, मुझे जीतना है, अगर मैं नहीं जीता तो मेरी ईद ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब मैं फ्लोर पर आई और फिर जब हम दोनों खेलना शुरू हुए, मैं भूल गई थी थोड़ी देर को वो 3 घंटा कि वो लोग मेरे दोस्त हैं। बाकायदा मैंने जैसे लाइकर्स को जो है इरिटेट किया था, वैसे ही मैं अपने दोस्तों को भी कर रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी फील हो रहा था कि यार शायद एक टाइम को ये गलत है। बट मैंने कहा नहीं मुझे तो जीतना है, मैं कुछ भी करूंगी जीतने के लिए। जब आप कॉम्पिटिशन के अंदर होते हैं तो ये बड़ी माइनर सी चीज़ें हैं, ये टैक्टिक्स में शुमार की जाती हैं और एक्चुअली इन टैक्टिक्स से निमटने का जो तरीक़ेकार है ना वो यही है कि आप इस चीज़ को जहन पे सवार ही ना करो। जहाँ जहन पे सवार करोगे और इनके बारे में सोचोगे कि ये तो ये हरकतें कर रहे हैं यार, ये तो मुझे लेट डाउन कर रहे हैं और मैं क्यों, उस वक्त जहन सारा लग जाता है ये सोचने में कि कशफ ने क्या कहा है, मैं इसको क्या कहूँ। सारा फोकस इन 3 घंटों में उन्हीं गेम्स पे लगाओ जिसपे हराना है। याद रखो जीत से बड़ा कोई बदला हो ही नहीं सकता है। अगर तुम में से कोई भी जीत जाएगा वो सब के लिए शटअप कॉल हो जाती है, जो कि किस्मत ने भी साथ दिया। बहुत अच्छा खेले टिकटॉकर, लेकिन हमारे लिए जो जीता वही सिकंदर, हम सिकंदर यूट्यूबर्स सिकंदरी ओ मेरा मतलब कशफ याद आया। तीसरा प्लेयर कहाँ है? हमारा तीसरा प्लेयर आ रहा है, वो पता नहीं कहाँ रह गया। आज पहला दिन है, आज पहला दिन है तो आज माइनस हो ही नहीं सकता। पहले दिन रूल्स बताए जाते हैं। हां ये रूल्स तुमने कब बना लिए? हो ही नहीं सकता, बताते ना रूल्स पहले दिन। मैंने तो उस दिन भी -2 कर दिए तुम लोग, याद है फाइनल वाले भाई। एक मिनट देखो, सिंपल सी बात है, माइनस तो होगा। सिर्फ फेवर में ये दे सकता हूँ कि जितने प्लेयर थे मैं इनसे पूछ लेता हूँ, अगर ये कहते हैं कि माइनस करें तो मैं माइनस करूंगा। उसामा क्या कहते हैं, माइनस कर दिया जाए? माइनस किया जाए। दुआ कितने माइनस करूँ बताएं? ये तो कह रही 2 माइनस, आप बताएं सर। माइक दो ना इन्हें, माइक दो यार, दोस्त हैं साथ, आपकी मर्जी आप जैसे बोलेंगे। फिर यार प्लीज यार नाराज ना हो यार, माइनस कर दो यार। 3 प्लेयर्स ने कह दिया माइनस। आमिर माइनस करें या नहीं करें? कर लें दानिश भाई, माइनस कर लें। -2 कर दें कश्यप, रूल दोस्ती आबाद में। बहुत अच्छी टीम है, देखो उमैर ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, कितनी अच्छी टीम है, माइनस के साथ खेलेंगे। हाँ बताएं। -4 कीजिए आप। ये लोग पहले से इतना डर गए, हमें फाइनल हम जीत गए तो पहले से डर रहे हैं। पिछली बार जो तुम लोगों ने किया ना ये वही कर रहे हैं तुम्हारे साथ। ये कितना भाई? -2 वो देखो अभी जुम्मा इनको 10 मिनट हुए आए हुए, -2 डायरेक्ट टीम के साथ। अच्छा जी, तो आपका एक प्लेयर नहीं आया इसलिए आप लोगों का आगाज होगा -1 के साथ, सही है? नहीं सर फाइनल में भी -2 हुए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने नजर रखी। आज भी कोई मसला नहीं है, फाइनल हो गया और आज भी जीतेंगे इंशाल्लाह। चलो इमरान ने कह दिया -1 हमारा फाइनल भी होता है, आज -1 हुआ है। आज अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली, आज भी हम ही जीतेंगे। कर दिया था मैंने, लेकिन मैंने अपना डिसीजन वापस ले लिया। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि बार बार बोल रहा था जब मैं कोई डिसीजन ले दूं तो बार बार ना बोलो वरना -2, -3, -4। सर उस दिन मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी सुना कि बहुत अच्छा हुआ माइनस होगा। मैंने, मुझे चेहरे याद है कौन था वो चेहरे, वो माशाल्लाह सर दुआ थी है? और दुआ ने कहा था, मैंने अपने कानों से सुना कि बहुत अच्छा हुआ माइनस हो गए। और बहुत सारे लोग थे जिनका मैं चेहरा सर भूलूंगा नहीं, सर मैं भूलूंगा नहीं। और उस वक्त सिर्फ उमैर भाई बात सुने, आप कंपटीशन के अंदर हैं, आप किसी से भी इस चीज़ की उम्मीद ना करें कि यार ये मेरे बारे में बोल रहा होगा कि हाँ आप जीत जाए। भाई जितने लोग आए हो यहाँ जीतने ही आए। नहीं सर, आपके बारे में यही बोलेंगे कि भाई अच्छा हुआ इनके माइनस हुए। नहीं सर, एक तो होता है कि सामने वाली टीम हो जो कंपटीशन का हिस्सा हो, एक वो जो कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं है। वो लोग जो कि बाहर से बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ बैठे हुए थे। मैं ये कहता हूँ सर, मैंने भी जब फाइनल में नहीं था तो मैं सपोर्ट करने के लिए आता था, तो दोनों टीमों को एक साथ सपोर्ट करता था क्योंकि सारे ही जो हैं स्टेज के दोस्त। बदले में चाह रहे थे कि तुम्हें भी सारी टीम्स मिलकर सपोर्ट करें। नहीं सर, ये नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि सर अगर अच्छा बस बातें बहुत हो गई, बातें बहुत। क्या कुछ कह रही है? मैं दानिश भाई मुल्तान वाली ट्रेन में जब था ना, मैं उसके शो में करता, इमरान तू जीतेगा। सर इमरान भाई ने इस बात पे ये बात कही कि कहते हैं मैं एक टीम को सपोर्ट कर रही थी, तो ये चीज़ आपने अपने प्लेयर को नहीं देखी। जब हम लोगों का लास्ट सेमीफाइनल हो रहा था, फजीला हमारा, तो वो भी अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रही थी और चिल्ला रही थी, तो मैं भी अपने ही दोस्तों को सपोर्ट करूंगी। सही है, मैं भी अपने ही दोस्तों को सपोर्ट करूंगी। तुम छोड़ना ही नहीं। अरे 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 आराम से भाई, आराम से। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मेरे दोस्तों की सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ और कोई दोस्त नहीं है। और भाई ये पता नहीं दोस्तियाँ क्यों करते हैं, और हम तो ये हार जीत देखते नहीं है। अगर मैं देखता हूँ ना अगली टीम को जीतना चाहिए तो उसमें मेरा फायदा होना चाहिए टीम का, तभी मैं सोचता हूँ, वरना कोई भी जीते हारे क्या फायदा है, गले मिलना है। ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, हम गेम शो करा रहे हैं या मैं WWE करा दूँ? हम लोग हारे और कशफ जीती है अगर, तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि मेरी दोस्त जीती है, तो ये दोस्तों में तो होता है। अगर मैं भी जीतता तो उसको भी होता है। दानिश भाई जिसको अपने दोस्त का साथ देना है वो अपने दोस्त का साथ दे, जिसे नहीं देना वो ना दे। हाँ कुछ बोल रहे हो ज़ैन, बोलो। गेम शो का नाम हटा देते हैं, दोस्त गेम शो ना। हाँ नहीं ज़ैन, लेकिन जब हमारा मैच हुआ था, सर जब मैच हुआ था हमने दोस्ती नहीं देखी थी, एक्सेप्ट दिस। दोस्ती तोड़ दी थी, तोड़नी नहीं थी। इसी नोट पे शुरू करेंगे जनाब आज का शो होगा। सबसे पहले म्यूजिक बजाओ। चलो भाई आओ जल्दी से, पहला गेम है चक्कर पे चक्कर, जो हिट द स्नोमैन के साथ खेला जाएगा। और याद रखो जितने गेम्स हैं वो तीनों प्लेयर्स ने खेलने होंगे। अच्छा जी, यूट्यूबर्स का तीसरा प्लेयर है शेष, जो अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आया या आ गया है, 2 से 3 मिनट में पहुंच रहा है। खैर -1 होगा, इनका आगाज -1 के साथ होगा। तीनों प्लेयर्स खेलेंगे ये 3 दिन के अंदर, जितने भी गेम्स आएंगे। अब वो साइंस जो है वो उमैर बना देगा, उमैर इस मामले में बड़ा एक्सपर्ट है। सही है उमैर, समझ गए ना? तीनों प्लेयर्स खेलेंगे। सबसे पहले खेलने वाली टीम आज जो आएगी वो है टिकटॉकर्स की, दूसरे नंबर पे आएंगे टीम यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे आने वाली टीम होगी टीम चैंपियंस की, और आखिर में आएंगे इंस्टाग्रामर्स। आ जाओ जल्दी से, 2 पॉइंट्स जीतने वाली टीम के, और जो रनर्स अप दूसरे नंबर पे टीम आएगी उसका 1 पॉइंट है। याद है ना तुम लोगों को शो? वही। अच्छा उमैर आज क्या होगा बताइएगा जरा। नहीं अभी आज तीनों नहीं, आज 2 प्लेयर्स खेलेंगे, कल 2 प्लेयर्स, परसों 2 प्लेयर। सही है। आज का जो पहला गेम है वो लड़का और लड़की खेल लेगी। लड़की खेलेगी हिट द स्नोमैन, कोई भी लड़का खेलेगा आपका यहाँ पे चक्कर। कल क्या होगा, आप यहाँ आ जाओगे हिट द स्नोमैन, वो खेलेगा चक्कर पे चक्कर। थर्ड डे वो यहाँ आ जाएगा हिट द स्नोमैन की जगह, और ये खेलेगी चक्कर पे चक्कर। अब तुम लोग साइंस ये बना लो कि जिस दिन फजीला खेलने आए तो उस दिन हिट द स्नोमैन किसे खेलना चाहिए। अब ये तुम्हें जो टेक्निक है ये अपने हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से बनानी होगी। करीब लिया उसको थोड़ा सा। चलो भाई इरज देख लेना, तुम चक्कर पे चक्कर नहीं खेली हो आज, फर्स्ट टाइम खेलोगी। पहले हिट द स्नोमैन है। अच्छा जी, हर टीम के पास 40 सेकंड्स का टाइम है। जिसने स्कोर ज्यादा किया 2 पॉइंट उसके, जो दूसरे नंबर पे टीम रही उसका 1 पॉइंट। 40 सेकेंड है गाइज, यार ले लो ना आगे थोड़ा सा। नहीं यही ले लो यार, यही चक्कर लो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे पैर पे वो ना लगे। 4 चक्कर लेने, बॉल पिक करनी, बॉल ड्रॉप करनी, वापस आना है। फिर स्कोर करेगी फजीला तो तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। बिल्कुल सही है। लड़कियां जब खेलने आएंगी तो यहीं पर, नहीं बल्कि इनका तो आज लड़कियां यहाँ खेलने आएंगी। सही है ना, सारी चारों टीम, तो ये करीब ही रहेगा। रेडी गो। गोल 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 गोल। किसी से लगाना करो बॉल को। प्यार के वादे सारे झूठी है प्यार की रस्में, मैंने हर लम्हा किसे चाहा किसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा तन्हा तन्हा छोड़ा। ओ रहा है दीवाना दिल ना किसी से लगाना। टाइम आप फजीला, बाउंस करो बॉल को, बाउंस करना सीखो बॉल को। नेक्स्ट कौन है? दूसरे नंबर पे आने वाली टीम, और जो टीम अपना नंबर भूल गई -1 उसका भी है। सेकंड टीम कौन सी थी? फिर बता रहे हो, मैंने कहा बताओ नहीं कोई, अपनी टीम नंबर याद रखो। आ जाओ जल्दी से, 40 सेकंड है। रेडी, पैर पीछे करके कशफ, रेडी गो। गोल 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 गोल। हो गया, 1 2 3 4 जाओ इमरान, जल्दी 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 गो। टाइम आप भूला भूला गाना भूला। आओ भाई, 1 स्कोर किया है टीम यूट्यूबर्स ने। अब टीम यूट्यूबर्स सबसे आगे चली गई है, टीम टिकटॉकर्स ने कोई स्कोर नहीं किया था। बारी आई है चैंपियंस की। कम ऑन चैंपियंस, बॉल को सही जगह से बाउंस करना है। इरज सही है, चलो उमैर मियां रेडी हो, थोड़ा सा आगे जाना। रेडी गो, जोर से मारो, जमीन पे मारो, आगे की तरफ, आगे आगे और आगे, इस तरह मारो। नहीं तेरा निशान हो के जुदा, शाबाश, ये सही है सही है सही है, मारो रहता हूँ मारो। हो गया, 1 उमर जल्दी करो, 2 3 4 जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, 4 सेकेंड। टाइम आप, दोनों ने 1-1 स्कोर कर दिया, चैंपियंस और यूट्यूबर्स बराबर हो गए। अब बारी है इंस्टाग्रामर्स, 1 स्कोर दुआ आपने कर दिया, इन्होंने 4 चक्कर ले लिए, और 1 और स्कोर कर दिया तो जीत जाओगे, लेकिन 1 स्कोर करना जरूरी। बहुत लाओ यार, बहुत लाओ पहले जल्दी से, 40 सेकंड से आप इंस्टाग्रामर्स के पास, जल्दी से आइएगा। रेडी गो। वाह, 1 2 3 4 जाओ 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 जाओ, कम ऑन को, 1 और स्कोर कर रहा है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही। 1 स्कोर मारो, बाउंस करो बॉल को, आगे आगे, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। और शानदार आगाज इंस्टाग्रामर्स का, 2 पॉइंट जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा यूट्यूबर्स, 1 पॉइंट चैंपियंस हो जाएगा। नेक्स्ट गेम, जो भी रेडी है बावर, जो भी रेडी है पहले नेक्स्ट गेम ले आओ। 2 पॉइंट जीते इंस्टाग्रामर्स, 1 यूट्यूबर्स, 1 चैंपियंस। नेक्स्ट गेम क्या है? ग्लोदा बॉल है वो ले आओ, जो भी है ले आओ। अच्छा जी, आएंगे सबसे पहले इंस्टाग्रामर्स, आपकी बारी है। दूसरे नंबर पे आने वाली टीम है टीम टिकटॉकर्स, तीसरे नंबर पे चैंपियंस, और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। आइए जल्दी से, ग्लोदा बॉल, जल्दी से आइएगा। 1-1 प्लेयर है ये तीनों दिन 3 अलग प्लेयर आएंगे खेलने के लिए। चलो भाई, 30 सेकेंड ईच, हर प्लेयर के पास है 30 सेकेंड। जिसने कम से कम टाइम में बहुत, बल्कि 30 सेकंड में जिसने ज्यादा स्कोर कर लिया, नहीं बल्कि ज्यादा नहीं, 4 मई, जहां पर आपने चारों कप्स फिल कर लिए वहां पर टाइमर रुक जाएगा। 30 सेकंड का टाइम है, असेंडिंग ऑर्डर में टाइमर चलेगा गाइस। हाँ नहीं, वो फाइनल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टफ, आगे जाके करेंगे यार। रेडी गो ज़ैन। हो गई 1 2 2 ओए कुड़िए व्हाट टू डू, ओए हो गए मुंडे दी, रुंदू 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 तू पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी, ओ हो गए मुंडे दी, रुंदू 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 तू हिलाते चलदी, टुम टुम तू करदी, हिला तू करदी या। हो गया रिवाज, हो गया था वो, तुमने कहा था कौन तो एक ही हुआ है। इससे पहले भी एक 22 सेकंड्स पे चारों कर लिए थे इसने। आ जाओ गाइस, ये चेक किया करो किसमें कब कब स्कोर हो रहा है। 22 सेकंड्स आप जीतने के लिए। नेक्स्ट कौन था? सेकंड। आ जाओ, चलो भाई 22 सेकंड्स है, टाइम बहुत ज्यादा है अब तुम लोगों के पास। सिर्फ 4 स्कोर करना है, जहां टाइमर रुक जाएगा स्कोर करोगे तो। रेडी गो। एक अंग्रेजी पढ़ दी, गिट तू कहती थी मैं कोई साड़ी विक्टोरिया, तू कंडी बिग बैन पूरा। टिकटॉकर्स 13 सेकंड्स में स्कोर कर गए टिकटॉकर्स, जबरदस्त गाइस। बारी है इमरान की, अरे सॉरी यार आमिर। रेडी गो आमिर। हिलाते चल दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दी यार, पढ़ दी गिट तू कंडी थी मैं कोई साड़ी विक्टोरिया, तू कंडी बिग बैन दी पूरा लंदन टुमकदा। 15 सेकंड। अब अगर 1 पॉइंट विन करना है तो तुम्हारे पास 15 सेकंड है, 2 पॉइंट विन करने हैं तो 13 सेकंड है। रेडी गो। पूरा लंदन टुमकदा, ओ जदों नचे पहली पूरा लंदन। 12 सेकंड। ये 2 पॉइंट जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ और 1 पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। हो जाएगा दो घंटी बिग पहली पूरा लंदन टुमकदा, ओ जदों नचे पहली पूरा लंदन टुमकदा, दो घंटी बिग पहली। चलो जी, 2 पॉइंट जीते टीम यूट्यूबर्स ने, 1 पॉइंट विन किया है टीम टिकटॉकर्स ने। नेक्स्ट है फ्रिस्बी गेम। सबसे पहले खेलने के लिए जो टीम आएगी वो चैंपियंस है, दूसरे नंबर पे यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे इंस्टाग्रामर्स, दूसरे पे आप हैं, तीसरे पे इंस्टाग्रामर्स, चौथे पे टिकटॉकर्स। अरे भाई शेष साहब, सुबह हो गई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कैसे यार, एक काम बल्कि करते हैं, अब अगर जो ज्यादा लेट होगा ना उसके -5 ही कर देते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं उस दिन। हाँ भाई माइक खोलिएगा। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वैसे तो मैं ज्यादातर लेट कभी हुआ नहीं हूँ, इतना बहुत कम होता है, तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम था जिस वजह से लेट हुआ। लेकिन -1 जो होता है वो -1 हुआ है। खैर सर, एक -1 हुआ है, लेकिन लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि टीम को माइनस ना करवाओ। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं, होगा क्या? इसको मेरी तरफ घुमाओ। गाइस सुन लेना, एक प्लेयर जो आज यहाँ खेल रहा है, एक प्लेयर जाएगा वहां पर। फॉर एग्जांपल आज खिला रही है यहाँ पर तुम्हें इरज। यहाँ कौन है? आ जाओ यहाँ पर। आमिर वहां जाओगे। जितने भी फ्रिस्बीज हैं वो आमिर ने जमा करके देने हैं, भाग के लाके इसे कैसे भी दो, फेंक के दो, भाग के जाके दो, देने आपने हैं फ्रिस्बी। सही है, तीसरा प्लेयर देगा। जहां भी फ्रिस्बीज जाएंगे कोई वॉलंटियर नहीं उठाएगा, आपके तीसरे प्लेयर ने उठाने। अब टाइम को काउंट करके खेलना, एक चीज। अब आज अगर यहाँ उमैर ने खेल लिया, कल आमिर खेलेगा यहाँ पर और उमैर आप वहां से फेंकोगे। थर्ड डे आमिर वहां से फ्रिस्बीज फेंकेगा और इरज खेलेगी। ऐसे ही होगा ये तीनों दिन, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ नहीं, लड़कियां तीसरे दिन खेलेंगी, लड़कों के लड़के हैं, 2 दिन लड़के हैं। था क्योंकि अल्टरनेट घूम रहे थे ना सब। नहीं वो तीसरे दिन बारी आई। सही है। थर्ड डे लड़कियों का है। हम संडे जो है वो लड़कियों के साथ ही सारे गेम्स खेलते हैं। अच्छा जी, इस गेम के लिए भी 40 सेकंड्स हैं, जिसके ज्यादा स्कोर 2 पॉइंट्स उसके। रेडी गो। चन्ना वे घर आ जावे, डोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, डोला वे घर आ जावे। चलो उमैर आगे, उमैर तेरों मुका जावे। डोला बेघर आ जावे, डोला बेघर आ जावे, चना बेघर आ जा। टाइम अप। कोई स्कोर नहीं किया चैंपियंस ने। सेकंड कौन था? सेकंड कौन था? कोई नहीं बोलेगा। आ जाओ, जो भी आ जाए, जरा सोच समझ के आना। बस गलत बताने पर भी माइनस है। रेडी गो। फिर से माइनस कराने का दिल चाह रहा है। गो के बाद कशफ, शाबाश। रेडी गो। चन्ना बेघर आ जावे, डोला बेघर आ जावे, चन्ना बेघर आ जावे, डोला बेघर आ जावे। एरिया उठीदा बिक मुक्त चल सा, तकड़ी ते रोग मुका जावे, चुना बेघर आ जावे, डोला बेघर आ जावे, चुना बेघर। टाइम आप। कोई स्कोर नहीं किया यूट्यूबर्स ने भी। मौका जाया गया चैंपियंस ने भी, यूट्यूबर्स ने भी। थर्ड थे। चलो भाई, इंस्टाग्रामर्स की बारी आ गई है। रेडी हो? हाँ, कोई स्कोर नहीं किया दोनों ने। कोई ना चैंपियंस ने कोई स्कोर किया ना यूट्यूबर्स ने। रेडी गो। नावेगा जद सोने माया, मेरे सजना टोल सिपाहिया, आवेगा जद सोने माइया, मेरे सजना टोल सिपाहिया, रख लागी तनु सीने लागे, तेरे बाजो जिद कमलाइया। चना बेघर, चना बेघर, चना बेघर। टाइम आप। एक स्कोर करके इंस्टाग्राम पर आगे चले गए। आइए जी, आप दो स्कोर करना है। 2 पॉइंट्स जीतने के लिए एक स्कोर करोगे तो भी 2 पॉइंट्स जीत जाओगे, लेकिन अगर कोई स्कोर नहीं किया तो सिर्फ इंस्टाग्रामर्स जीतेंगे। 40 सेकंड्स है। रेडी? हाँ, पहले ले आओ, ले आओ, ले आओ, जल्दी से ले आओ। रेडी गो। आवेगा जद सोने माइया, मेरे सजना टोल सिपाहिया, आवेगा जद सोने माइया, मेरे सजना टोल सिपाहिया, रख लागी तेनु सीने लागे, तेरे बाजो जिद कमलाइया। चना बेघर, चना बेघर। 2 स्कोर करके 2 पॉइंट जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ। भारी आई है मेरी, और 1 पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ। आगे भाई, जल्दी से। थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, थोड़ा सा ऐसे घुमाओ। बाबर, तुमने कहा उसका मुंह उधर किया हुआ है। चलो भाई, 40 सेकंड है मेरे पास भी। क्या करो, थोड़ा वापस, बस। चलो भाई, रेडी गो। आवेगा जद सोने माया, मेरे सजना टोल सिपाहिया, आवेगा जद सोने माया, मेरे सजना टोल सिपाहिया, रख लागी तेनु एक नहीं हुआ लागे, तेरे बाजो जिद कमलाइया। चना बेघर, एक चना बेघर, चना बेघर आ जावे, डोला बेघर। 2 हो गए थे, एक हुआ था। तुम दो क्यों बोल रहे हो यार? 2 पॉइंट जाएंगे टीम टिकटॉकर्स के साथ, एक इंस्टाग्रामर्स के साथ। हो जाए। चन्ना बेघर आ जावे, चन्ना बेघर आ जावे, गेम कराओ या नहीं? चन्ना बेघर आ जावे, डोला बेघर आ जावे। सही करा इन्होंने, कंप्लीट। आओ, जल्दी से आ जाओ। 40 सेकंड है। पहले दिखाओ कौन सी टीम आएगी। टाइम का मुकाबला सबसे जल्दी से चिट से कराओ। सबसे पहले खेलने वाली टीम है इंस्टाग्रामर्स, सेकंड चैंपियंस, थर्ड यूट्यूबर्स, आखिर में टिकटॉकर्स आएंगे। तो करीब लाओ जल्दी से, वो आगे कर लो, एक ही बात है। चलो भाई 40 सेकंड का टाइम है, जहां पांचों कप्स गिर गए वहां टाइमर रुक जाएगा। टाइमर दीजिएगा जल्दी से, रेडी गो। स्लो खिलाओ, स्लो स्लो खिलाया करो। वाह चलो जामा बैच मारो, एक शाबाश। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की टाइम आप एक ही स्कोर किया है उसामा ने टीम इंस्टाग्रामर्स के लिए। तुम स्लो खिलाया करो, तुम तेज खिलाती हो। चलो भैया आओ जल्दी से, बारी चैंपियंस की, सुनहरी मौका है तुम्हारे पास यहाँ 2 पॉइंट उड़ा लेने का। रेडी गो। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, देखो ये स्पीड है जिससे खिलाते कब आएगी तू, वो नहीं खेल रहा वाला बात है। चलिया चलिया तू चलिया। चलो आमिर, 2 सूरज खिल के पास आ दिल के, तीन हो गए आमिर। चलो 2 और है। दूर से मिल के 4। टाइम अप, आमिर ने 4 स्कोर कर दिया चैंपियंस के लिए। नेक्स्ट बारी है यूट्यूबर्स की, जल्दी से आ जाओ जगह पे। जीतने के लिए 5 स्कोर करना है, बराबर करो उसको, इस वाले को, दूसरे वाले को। चलो जल्दी आओ, रेडी गो। दिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैना, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। आखिरी 10 सेकंड है। टाइम आप एक ही स्कोर किया है, यूट्यूबर्स ने भी एक ही स्कोर किया है, इंस्टाग्रामर्स दोनों बराबर 4 स्कोर के साथ चैंपियंस आगे। जगह पे आओ जल्दी से, रेडी गो। क्या है भरोसा, आगे नहीं जाना, आज के दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आज के दिल का और किसी पे आ जाए, आ गया तो बात पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया। टाइम आप, मेरी बारी आ गई है। 2 पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ, 1 पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। आओ भाई जल्दी से, 40 सेकंड मेरे पास भी है, जल्दी से आ जाओ। रेडी रेडी गो। क्या है भरोसा आशिक के दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक के दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू। अरे यार बहुत मजा आई। 2 पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ और 1 पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आता हूँ, प्लीज कहीं मत जाइएगा। गेम शो ऐसे चलेगा। भाई दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना क्रिकेट मुकाबला। दो टीम्स मिलके खेलेंगी, जो टीम जीती उसके साथ 4 पॉइंट जाएंगे, जो दो टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे। लाओ पहले जो दो टीम्स आपस में आज खेलेंगी वो टीम है टीम टिकटॉकर्स और इनका साथ देंगे चैंपियंस। चैंपियंस और टिकटॉकर्स की एक टीम है, इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स की एक टीम है। होगा टॉस, कॉइन दीजिएगा मुझे जल्दी से। हाँ रोजाना चेंज होते रहेंगे, नहीं जो भी चिट से निकलता रहेगा वो करते रहेंगे ना। चलो भाई बोलिए। टेल्स। टॉस आप लोग हार गए, आप जीते। पहले क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे। 2 ओवर्स का मैच है, फील्डर्स आप सभी हैं, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कीपिंग पे भी आप ही लोग जाएंगे। हाँ चलो भाई जल्दी से आ जाओ। अच्छा सुन लेना, जितने नए प्लेयर्स हैं सुन लेना, इमरान, शेष, ज़ैन, उसामा, उमैर। 23 शॉट, -2 रन्स हैं, -2 रन्स हैं, सही है। यहाँ ये पूरा वन डिक्लेयर है, यहाँ से लेके इस कैमरे तक, सही है। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके, नहीं यहाँ से नहीं, स्विच से लेके और इस कैमरे तक वन डिक्लेयर है। ये सामने सिर्फ 4 है, इतना पोर्शन जो है ना ये पूरा 4 है, देख लो ज़ैन। ये पूरा यहाँ ग्रीन जो है मार्क, ये पूरा 4 है। यहाँ अगर बॉल लग गई तो 4 हो जाएगा, कहीं से भी लग के जाए, कहीं से भी लग के जाए। यहाँ लग गई बॉल, ओवर थ्रो भी हो गई तो भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 23 शॉट खेला, -2 रन्स है। 23 शॉट नहीं खेला, ऊंचा शॉट खेला तो भी -2 रन्स है, लेकिन दरमियाना शॉट खेल सकते हो, बहुत तेज ना हो, दरमियाना शॉट खेल सकते हो। ऊंचा शॉट होगा तो -रन भागोगे, पीछे रन, जहां बॉल जाएगी भागोगे, अगर वो क्रॉस कर गई तो 4 हो जाएगा, वो सही है। जहां से बॉल नहीं मिली, गाड़ी के नीचे अगर बॉल गई तो 2 रन्स है। हाँ बॉल्स जितनी भी है सबने अंडर आर्म फेंकनी है, बल्कि छोड़ो ये रूल मैंने खत्म कर दिया, ऊपर से फेंक दो। नहीं बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो फिर खामखा प्रॉब्लम होती रहेगी, ऐसे भी फेंक सकते हो। चलो जी पहले ओवर की पहली बॉल, 2 ओवर्स का मैच को बोल्ड हो गया। पहली बॉल पे ज़ैन, पहली बॉल पे बोल्ड हो गया। 1 बॉल और कोई रन नहीं, 1 विकेट आउट हो गई। ये टीम इंस्टाग्रामर्स की खेलने के लिए आएंगे उसामा। 2 ओवर्स, दूसरी बॉल, वाइट बॉल। 1 बॉल 1 रन हो गया। गाइस रन गिनते रहना इनके। लेग बाय का रन नहीं है, लेग बाय का रन बैट पे लगी थी बट लेग बाय का रन नहीं है, बता रहा हूं। 2 बॉल तो 1 डे क्लियर हो गया। 3 बॉलें 1 रन, 2 रन, 1 वाइट, वाइट बॉल। 3 बॉलें 3 रन। व्हाट अ कैच यार, क्या कैच पकड़ा उमैर ने, शानदार कैच था उमैर, जबरदस्त। 4 बॉलें 3 रन, ये आउट हो गया। इसके बाद लड़कियां आएंगी खेलने के लिए, कितनी बार पूछोगे, हाथ 2 ओवर्स का है। चलो भाई बहुत ही 5 बॉलें हो गई, लास्ट बॉल है, गो। 4 रन, लास्ट बॉल है। मेरा हाथ छूट गया था, दिखाओ रिप्ले दिखाइएगा, देखते हैं क्या। अरे 1 मिनट भाई, रिप्ले चेक करते हैं, रुक जाओ, रिप्ले दिखाइएगा मुझे। बैटिंग अब मेरे ख्याल से लड़कियां खेलेंगी, आगे कोई भी खेल सकता है, लेकिन दिखाइएगा मुझे। 1 ओवर में तुम्हारे सारे लड़के आउट कर दिए इसने, स्लो करो भाई। हाँ मुझे लगा, दोबारा दिखाओ, बस दिखाइएगा। बॉल का हाथ में होना जरूरी है ना, स्लो करो यार, स्लो करो। 1 मिनट सब चुप हो जाना, मुझे डिसाइड कर दो क्या हुआ है, देखता हूं मैं भी। दिखाओ, स्लो करना, ये दिखाइएगा आगे। आउट हो गया, नहीं इस पे लग गई, बॉल टच हो गया, रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ लग के यहाँ लगी है, सही कह रहा है वो। नहीं यहाँ तो वहां कैसे जाएगी यार, आगे की तरफ गई है ना, वही मैं देख रहा था। आउट हो गए, रन आउट हो गए। 1 ओवर में 4 रन है, यहाँ पे आउट हुआ होगा, यानी कि लड़की खेलेगी वहां पे, बिल्कुल सही है। ये क्रीज है, रनिंग के लिए इसको कोई हॉकी दो या बैट दो जल्दी से, या बेसबॉल का बैट दो, कुछ भी जो भी अवेलेबल है वो दो। एक ओवर में 4 रन बनाए। देखो एक चीज बता दूं यार, रन बनाना मुश्किल है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लड़कियां शॉट मार सकती हैं, तुम डायरेक्ट मार दोगे इस पे 4 रन हो जाएंगे। ये पूरा ग्रीन बॉल 4 रन है। को पहले वो दूसरे ओवर की पहली बॉल लेग बाय हो गया ये, और ये तेज बॉल थी, नो बॉल हो गई ये, तेज बॉल नहीं गिरा, नो बॉल है ये, 5 रन हो गए। वाइट बॉल, और अच्छा शॉट था, 1 बॉल हो गई। हाँ 8 रन, 7 रन, 4 चाहिए, 1 बॉल 8 रन, 7 रन। ब्लैक बाय रन नहीं है, 2 बॉल हो गई। तीसरी बॉल, और ये बॉल उमैर से लग गए। हाँ हाँ ऐसे फिक्स, 3 बॉल हो गई। चार बॉल हो गई। कैच और 4, शानदार शॉट कशफ का, 4 हो गया भाई। 5 बॉल है, 14 रन, आखिरी बॉल है। बोल्ड हो गई कशफ। 15 रन टू विन है, 15 रन बनाने जीतने के लिए 2 ओवर्स में। टिकटॉकर्स और चैंपियंस को आइए बारी है, अब यूट्यूबर्स बॉलिंग कराएंगे, इंस्टाग्रामर्स देंगे इनके साथ। आओ जल्दी से आओ गाइस, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। सेकंड कौन है रनिंग पे? आ जाओ, पहले ओवर की पहली बॉल, तेज ना कराना, बॉल माइनस हो जाता है, नो बॉल हो जाएगी। रेडी हो? चलिए जनाब, पहले ओवर की पहली बॉल, और ये कैच छोड़ा है और बॉल छोड़ दी है। एक बॉल पे 3 रन आ गए। जहां जाए महफूज हो, जहां जाए महफूज हो, मेरा मांगे बस ये दुआ। 3 बॉल हो गई है। चौथी बॉल, वाइट बॉल, वाइट बॉल, 3 बॉल है, 7 रन हो गए, 6 रन। और रन आउट हो गया हमाद। चलिए जी, ये 2 रन बने। 4 बॉल है, 8 रन बना लिए हैं आप लोगों ने। 8 रन कह रहे, टीम गिन रही है। जो कह रहे मैं तीसरे पे आउट हुआ हूं, 2 रन काउंट किए हैं, वो कह रहे 8 रन। चलो भाई, 5वीं बॉल, और ये 9 रन हो गए, आखिरी बॉल है। ये मैच फंस सकता है, शॉट नहीं लगाना तेज। और ये बॉल आ गई है शेष के पास, जैसे बटेर पकड़ लिया। ओवर, अब स्कोर बताइएगा। 1 ओवर 11 रन हो गए। कितने रन सही जीतने के लिए ना? 4 रन सही जीतने के लिए। दूसरे ओवर की पहली बॉल आई है, प्लीज, और ये 4। उमैर ने काम तमाम कर दिया। 2 पॉइंट जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ, 2 पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ। हो जाएगा कौन सी बातें नहीं भूलनी भाई? वो थी ना, है इसमें थी ना, किसमें थी? इसी गाने में थी ना। ऐसी बातें थी जो नहीं भूलनी चाहिए। जी हाँ, वैसे प्यार की बातें वैसे भी नहीं भूलनी चाहिए, पता है आपको। चलिए आइए, नेक्स्ट गेम है फ्लिप द बॉटल्स। 2 टीम्स जो आपस में टकराएंगी। पहले टीम इंस्टाग्रामर्स, और इनका मुकाबला होने जा रहा है टिकटॉकर्स के साथ। अच्छा, दोनों के मेल प्लेयर्स खेलेंगे, लड़के खेलेंगे। कल दूसरा लड़का आएगा, थर्ड डे लड़की आएंगी खेलने के लिए। चलिए भाई, जो जीती टीम फाइनल, 2 पॉइंट उसके, और जो रनर्स अप रही उसका 1 पॉइंट। 30 सेकंड है दोनों के पास। चलो 30 सेकंड गाइस, रेडी गो। दिन तेरे सनम पर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। दिन तेरे सनम पर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आना ही पड़ा सजना। उसामा अपनी टीम को लेके फाइनल में, इंस्टाग्रामर्स फाइनल में आ गए, टिकटॉकर्स बाहर हो गए। मुकाबला है यूट्यूबर्स का चैंपियंस के साथ। 30 सेकंड है आप लोगों के पास, रेडी गो। बिन तेरे सनम पर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। ऐसे नहीं करनी है, ऊपर से पकड़ के तुमने खेलना है, जैसे कि वो खेलता था पहले, वो भी यही कर रहा था पहले, वो ये पकड़ के खेल लिया करता। सर, ऐसे ना ना ना, ऊपर से पकड़नी है, ऐसे ही पकड़नी। ये पहले सही खेलता था, आज गलत खेल रही है। और ऐसे खेलना है तुमने, नहीं ऊपर से नहीं पकड़े हो तुम, यहाँ से पकड़े ऐसे करके। दोबारा देख लेना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दिखाओ भाई जरा, रिप्ले दिखाओ इमरान को, रिप्ले दिखा दो इमरान को। ऐसे पकड़ा हुआ था ये, नहीं ऐसे नहीं कह रहा मैं तुम्हें, ऐसे पकड़े हुए थे तुम, ऐसे। दिखा दो एक बार, दिखा दो, दिखाओ जरा। ऐसे पकड़ा हुआ था भाई, एक मिनट दिखाओ। ये तो सही खेल रहा है सर, इसकी आदत है, इसकी आदत है बोलने की, आदत है। एक मैंने रुकवा दिया था। एक स्कोर है, 4 सेकंड्स का टाइम निकल चुका है। आइए आगे, 26 सेकंड्स है, एक स्कोर इन्होंने किया हुआ है। रेडी गो। तेरे सनम पर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। तेरे सनम पर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। बड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। यूट्यूबर्स फाइनल में आ गए। आइए जी, आखिरी फाइनल मुकाबला है, टीम इंस्टाग्रामर्स वर्सेस यूट्यूबर्स। जो जीता 2 पॉइंट, उसके जो हारा उसका 1 पॉइंट। रेडी गो। तेरे ही दम से होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जाना है जिंदगी अधूरी। पॉइंट जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ। हो जाएगा तेरे ही दम से होगी फुटबॉल की मुराद पूरी, हेडर। तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी, सब कहेंगे हम। नेक्स्ट है जी हेडर्स पेनल्टी। मुझे अभी तक का स्कोर कार्ड दिखा दीजिएगा, कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम सबसे पीछे जा रही है। जी इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ टिकटॉकर सबसे आगे, 5 पे चैंपियन है, 4 पे यूट्यूबर्स, 4 पे इंस्टाग्रामर्स। अच्छा जी, चलिए जी, सबसे पहले आएंगे इंस्टाग्रामर्स खेलने के लिए। दूसरे नंबर पे टीम होगी टीम चैंपियंस की, तीसरे नंबर पे टिकटॉकर्स और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। आ जाओ भाई, हेडर्स पेनल्टी। अच्छा वही होगा, तीनों ने खेलना है ये। आज यहाँ पे लड़की बॉल फेंकेगी, वहां से लड़का खेलेगा और दूसरे लड़के ने यहाँ से गोल करना है। डबल हेडर, डबल हेडर मार। हाँ, हेडर मार के आपने अपने प्लेयर को दे रहे हैं, उसने भी हेडर मारना है, डबल हेडर है। हाँ, लड़की ने बॉल फेंकी आपकी तरफ, आपने हेडर मारा, दूसरे प्लेयर को दिया और उसने हेडर मारा। ये नहीं होगा, ये हटा लो, ये हटा लो। रिंग नहीं होगा अभी, आज नहीं होगा। ये फाइनल और क्वालिफायर्स के लिए रखा है मैंने। क्या मतलब, बॉल कहीं भी जाती है, तुमने हेडर मार के गोल करना है। हाँ, लड़की फेंकेगी आपको। उमैर एक दफा खेल के बता दो, इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। उमैर हमारे मॉनिटर, आमिर आना जरा। फॉर एग्जाम्पल, ये इरज ने बॉल फेंकी। आगे आ जाओ आमिर, आगे आ जाओ। ये नहीं आमिर, हेडर मारना है तुमने भी हवा में ही। हाँ, डबल हेडर, 2 हेडर्स मारने तुमने, यानी कि एक प्लेयर ने यहाँ दिया, ये तुम्हें आगे आना है, फौरन आके हेडर मारना है। कहीं भी आके मार सकते हो। हाँ, मुझे लग रहा है इसमें हवा कम है। दूसरी बॉल है, बॉल देखो, दिखाओ दुआ, जरूर दिखाओ। हाँ, इसमें हवा कम है थोड़ी। हाथ रखे? नहीं हाथ तो नहीं रख सकते, हाथ आपने सिर्फ ऑब्वियस ही बात है। बॉस मुझे दिखाओ, ये तो सारी सबको असल में शो के हिसाब से बनाई गई। अच्छा फिर आज हेडर ना करो। फॉर एग्जांपल आज ये वाला जो प्लेयर है ये आपको हेडर देगा, हवा में ही बॉल आपके पास आएगी और आपने ऐसे गोल करना है। बॉल नीचे जमीन पे नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पर बॉल दोगे, यहाँ रिंग रखो लाके, रिंग लाओ रिंग लाओ रिंग लाओ। थोड़ा सा इसको लेफ्ट पे करो, थोड़ा सा रिंग लेकर आइएगा, थोड़ा उधर करो। बस देखो भाई ये हेडर मारना है, सुन लो तुम हेडर मारोगे डायरेक्ट, बॉल जमीन पे बाउंस किए बगैर तुम्हारे पास आएगी और तुमने गोल करना है। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कैसे भी करो कैसे भी करो। मारने के बाद किक करने के बाद सुन लो, अच्छा एक चीज डायरेक्ट आएगी बॉल, डायरेक्ट आई बॉल यहाँ पर तुम्हारे पास और तुमने गोल कर दिया। और उसके बाद बैलेंस करने के लिए एक पैर बाहर आ गया, गोल काउंट हो गया। अगर दोनों बाहर आ गए गोल काउंट नहीं होगा, दोनों पैर बाहर नहीं आने। अगर बॉल ऊपर आए तो हेडर मार दो, किसी भी बॉडी पार्ट से गोल कर दो, लेकिन डायरेक्ट गोल गोल करना है। बॉल आए तुमने ऐसे मार देना है, फिर तुमने ऐसे कर देना है। चलो भाई इस बार से पहले पहले थोड़ा सा बाहर आगे ले आओ ये। चलो भाई 40 सेकंड है, गेम थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन जिसने गोल्स कर दिए दो मेरे ख्याल से वो जीत सकता है। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुश्किल गेम के पॉइंट विन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। रेडी गो। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा। दो गोल्स किए, जबरदस्त खेल के गए हो, शाबाश। दो स्कोर कर दिया। इंस्टाग्रामर्स से बारी आई है चैंपियंस के खेलने की। हाँ फेंको ऊपर, फेंकना ऊपर सर की तरफ फेंको। 40 सेकंड में चैंपियंस के पास। रेडी गो। मेरी गाड़ी डायरेक्ट डायरेक्ट, मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा। इरज ऊपर दो। मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। सही है देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, अच्छा मौका था। ये तो डिफेंड कर रहा है सर्जियो रामोस। चलो भाई आ जाओ, कोई गोल नहीं किया टीम चैंपियंस ने, लेकिन एंड में तुम लोग समझ गए थे ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, एंड में समझ गए थे। एक गोल भी कर दोगे एक पॉइंट जीत सकते हो। रेडी गो। आगे जो बनाया था वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही सजाया था। हमाद हमाद आगे मारो। तुम तो झूठा प्यार हो, मारो। तुम्हें अपना कहा तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुम कोई और हो। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं। हमाद जब बॉल कम, इसमें एयर कम है ना, तो तुम्हें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, हेडर प्रॉपरली मारना पड़ेगा, खुद बॉल जाएगा नहीं वैसे। चलो भाई इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स अभी तक फिलहाल जीत रहे हैं टीम इंस्टाग्रामर्स। एक स्कोर भी कर दोगे एक पॉइंट जीत सकते हो, ट्राई करोगे 2 पॉइंट जीतो। रेडी गो। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे। बहुत अच्छी ट्राई की थी। हाँ नहीं नहीं, जैसा ये खेल रहा था वैसे ही खेल के गया है। 2 पॉइंट्स जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा यूट्यूबर्स के साथ। हो जाएगा। मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे नेक्स्ट है ब्लो द बॉल। मैंने टिकटॉक नहीं, यूट्यूबर्स। 2 पॉइंट्स जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा यूट्यूबर्स के साथ। खलास, चलो भाई जल्दी से आ जाओ। चैंपियंस आएंगे सबसे पहले खेलने के लिए, कोई भी मेल प्लेयर आ सकता है। सेकंड होंगे जी इंस्टाग्रामर्स, थर्ड होंगे टिकटॉकर्स और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। 30 सेकंड्स का टाइम है सबके पास। बारी आई है चैंपियंस के खेलने की। 30 सेकंड है चैंपियंस तुम लोगों के पास। रेडी गो। गोली तो लगायो मुझे, आमिर स्लो खेलो। हटा जाए तो दिल की गली में पीछे तेरे साए 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 साए। फिर हुआ क्या? टाइम आप पैनिक कर रहे हो आमिर, खामा खा तुम। कोई स्कोर नहीं किया चैंपियंस ने। बारी आई है टीम इंस्टाग्रामर्स की तरफ से, उसामा। रेडी गो। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे। एक झोंका छू के गुजरा, फूल खिल के आप महके। पंछी चुपके तो चुपके से दिल ने कहा कोई आए आए आए। टाइम अप। वेल प्लेड। 2 स्कोर कर दिया इंस्टाग्रामर्स ने। बारी आई टिकटॉकर से खेलने की। हमाद 30 सेकंड। रेडी गो। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे। एक झोंका छू के गुजरा, फूल खिल के आप महके। बंदी कहके तो चुपके से दिल ने कहा कोई आए आए। आखिरी सेकंड तक यही स्पेशलिटी है, देखो ये आखिर तक हार नहीं मानता। 3 स्कोर कर गए टीम टिकटॉकर्स। आप 2 स्कोर पे हो इंस्टाग्रामर्स। 1 पॉइंट जीतने के लिए भी कम से कम 2 स्कोर करना पड़ेगा। शेष रेडी गो। उसकी जुल्फे खुली तो लगायो मुझे, जाए 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 जाए। घटा छाई तो दिल की गली में। अरे तीन ग्यारह सेकंड्स पहले ही 2 पॉइंट जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। हो जाए। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे। एक झोंका अब वही है। नेक्स्ट है भाई डांस सेगमेंट। जो भी आगे परफॉर्म करेगा उसके लिए 1 पॉइंट है। किसी भी टीम से कोई भी प्लेयर आ सकता है और अगर कोई नहीं आएगा तो वो पॉइंट मिस कर जाएगा। 1 पॉइंट मिल जाएगा अगर डांस करने जो भी आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ ना किया जाए। आ जाओ भाई, कौन कौन आएगा सबसे पहले? नहीं, जो भी आना चाहे। पहले कौन आ रहा है? 40 सेकेंड्स का म्यूजिक बजेगा, ले आओ। सबसे पहले पूछ लेता हूँ टिकटॉकर्स, कोई डांस करने आना चाह रहा है? हमजा आना चाह रहा है। हमजा आज भी आ सकता है, हमजा कल भी आ सकता है, हमजा तुम परसों भी आ सकते हो। तीनों दिन एक ही प्लेयर भी आ सकता है, सही है। सेकंड है यूट्यूबर्स, आना चाह रहे हो आप लोग? इमरान आएगा। इंस्टाग्रामर्स, दोनों में से कोई आना चाह रहा है? आप आना चाह रहे हो और आप में उमैर आना चाह रहा है। आ जाओ भाई जल्दी से हमजा। अच्छा जी, 40 सेकेंड्स का म्यूजिक बजेगा। 40 सेकेंड्स के लिए ये परफॉर्म करेंगे। आ जाओ भाई, बारी है हमजा की। बल्कि 40 सेकंड्स कब हो जाएंगे गाइस? 50 सेकंड्स है। 50 सेकंड 10 सेकंड्स बढ़ा दो। हाँ तो क्या 1.5 घंटा कर दूं? सबको 1-1 पॉइंट दे दूंगा सबको। जो नहीं आएगा, जिसने बोला कि नहीं आज मैं नहीं आना चाह रहा, वो अपना पॉइंट मिस कर जाएगा। कोई भी आ सकता है दोनों में से, सही है। चलो आओ भाई, हमजा आया है 50 सेकंड्स के लिए। म्यूजिक होगा, कोई सभी रेडी, गो हमजा। हाँ, वाह, बहुत आला भाई, जबरदस्त समझा, बेहतरीन। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन है? चाहे तो दोनों साथ भी कर सकते हैं भाई। हाँ, कौन कर रहे हैं अभी? अच्छा, तुम क्या उल्टी करवा दिखा के आ रहे हो? अच्छा वही, रेडी गो इमरान। ओहो, वाह, ओह, पक्के में बदाम साइड पर रखो। हाँ भाई, रेडी गो ज़ैन। आ आओ भाई, चाहो तो दोनों कर सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं भाई। चलो रेडी गो। आहा, बहुत हो गया, आजा साइड पर आ जाओ। चारों के साथ एक एक पॉइंट जाएगा भाई, जबरदस्त। आओ, नेक्स्ट गेम क्या है? कैच द बॉल्स। आइए जल्दी से मुझे दिखाइएगा सबसे पहले खेलने वाली टीम कौन सी है। जो दो प्लेयर्स आज खेलेंगे वो कल नहीं खेलेंगे, सब आगे थर्ड डे लड़की खेलने आएगी, बस वहां पर उसके हिसाब से खेलना। आज लड़की यहाँ से आप लोगों को खिलाएगी। सबसे पहले खेलने के लिए यूट्यूबर्स है, यूट्यूबर्स पहले आप लोगों की बारी है। दूसरे नंबर पर इंस्टाग्रामर्स है, तीसरे नंबर पर होंगे टिकटॉकर्स और आखिर में आएंगे चैंपियंस। आइए, 40 सेकेंड्स ईच हर टीम के पास, बस सही है। कैच जब लड़के खेलने आएंगे तो डायरेक्टली नेट के अंदर बॉल जाएगी तो कैच काउंट होगा। शेष जैसे खेलते हो ऐसी डायरेक्टली पकड़नी बॉल। चलो भाई, 40 सेकेंड्स है। तीसरा प्लेयर कहाँ है? पिकनिक पे आए हो बेटे? हैं? अच्छा, चलो भाई, यूट्यूबर्स रेडी हो। 40 सेकंड है तुम्हारे पास। इमरान रेडी हो जाओ, रेडी, उस तरफ जाओ ना, रेडी गो। तो आंखों से मस्ती है झलकती, मस्ती है तो आंखों से मस्ती है झलकती, होठों पे गुलाल है, गालों पे सिंगार है, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती, रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा, शोक लगती वो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे न मोरा जिया रंगीन। टाइम ऑफ 6 स्कोर कर दिया यूट्यूबर्स ने। अच्छा मुझे ना समहाउ ये गेम थोड़ा इजी लग रहा है। कल से ये आपने एक हाथ से कैच करना, लड़के जब भी खेलेंगे एक हाथ से कैच करो। क्यों, क्या बात कर रहे हो? दिखाना भाई जरा, दिखाना जरा, ज़ैन दिखाओ, ज़ैन क्या बात कर रही है, भारी है तो आप डालें इसको, वापस फेंक दे बॉल को, ऐसे अभी नहीं, कल से, कल से खेला जाएगा ये एक हाथ के साथ, बहुत आसान हो जाता दो हाथों से। हाँ चलो मैं तो एलियन चल रहा हूँ बिना देखे मैं क्लिक। चलो भाई आ जाओ जल्दी से, 40 सेकंड में 6 स्कोर कर दिया यूट्यूबर्स ने। रेडी गो। डायरेक्ट जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया रंगीन है, तू रंगों से भी ज्यादा, शोक लगती हो रह के भी ज्यादा। मेरा एक सपना हो गए एक अपना, मेरा एक सपना हो गए एक अपना, हो बाहर ना हो इंतजार। टाइम आप 3 स्कोर किया है इंस्टाग्रामर्स ने, 3 स्कोर, 6 स्कोर यूट्यूबर्स। बारी आई है टिकटॉकर्स की, जल्दी से आ जाओ जगह पे, 40 सेकंड आप लोगों के पास। कम ऑन गाइस, रेडी हो, चलो बॉल्स ले आओ, जल्दी से बॉल्स ले आओ। रेडी गो। मेरा एक सपना हो गए एक अपना, मेरा कहानी मेरे बात मेरी रानी रंगीन है, तू रंगों से भी ज्यादा, शोक लगती वो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया रंगीन है, तू रंगों से भी ज्यादा, शोक लगती वो रह के भी ज्यादा। 9 स्कोर कर दिया टीम टिकटॉकर्स ने। भाई शानदार खेला, जबरदस्त। अब 9 स्कोर के साथ टिकटॉकर सबसे आगे, दूसरे नंबर पे यूट्यूबर्स 6 स्कोर के साथ। देखना ये उमैर कितने कैचेस पकड़ता है। चलो भाई बॉल्स ले आओ जल्दी से, जो टीम जीती उसके 2 पॉइंट्स के बाद। टिक टैक टो रेडी रखो, टिक टैक टो रेडी गाइस, बॉल्स ले आओ, बॉल्स ले आओ आमिर, बॉल्स रेडी गो। तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया रंगीन है, तू रंगों से भी ज्यादा, शोक लगती हो रह के भी सादा। मस्ती है तो आंखों से मस्ती है झलकती, मस्ती है तो आंखों से मस्ती है झलकती, गुलाल है ओडो पे जलाल है। 3 स्कोर किया है चैंपियंस ने, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स जाएंगे टीम टिकटॉकर्स के साथ, 1 यूट्यूबर्स के साथ हो जाए। तेरी कहानी मेरे पास तेरी रानी रंगीन है, तू रंगों से भी ज्यादा, शोक लगती हो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के। नेक्स्ट टिक टैक टो, हर टीम का 1-1 मेल प्लेयर आता रहेगा, नहीं मेल प्लेयर खेलेगा। जल्दी से आ जाओ, टॉस होगा। सबसे पहला मुकाबला जिन 2 टीम्स के दरमियान है वो टीम है टीम चैंपियंस, कोई भी लड़का आ सकता है। मुकाबला है टिकटॉकर्स के साथ, चैंपियंस वर्सेस टिकटॉकर्स। 30 सेकंड्स गाइस, 30 सेकंड्स। 30 सेकंड दीजिएगा, जो टीम जीती वो फाइनल में। रेडी गो। चलो भाई, इस तरह ये टीम चैंपियंस आ गई फाइनल में। दूसरा मुकाबला है टीम यूट्यूबर्स वर्सेस इंस्टाग्रामर्स। 30 सेकंड है तुम लोगों के पास। रेडी गो। क्या रख दे भाई। फाइनल में आ गए इंस्टाग्राम। भाईजान आ जाए भाई, फाइनल है आपका। टॉस कर लेते, लाओ टॉस। एक मिनट टॉस। बोलो सर, आप इधर आ जाए। चलो भाई, जो टीम जीती उसके 2 पॉइंट्स, जो टीम आई उसका 1 पॉइंट। अच्छा, आसान गेम। जो टीम जीत रही होती है ना, वो दूसरे को मौका ही नहीं देना चाहती। रेडी गो। टाइम आप। इस तरह 2 पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ, 1 पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ। हो जाएगा इस मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ एक दफा जरा स्कोर कार्ड दिखा दिया जाए ताकि इन लोगों की आंखें खुल जाएं। जो लोग पीछे हैं, जरा प्लीज मुझे एक दफा स्कोर कार्ड दिखाइएगा। 10 पे टिकटॉकर्स सबसे आगे, यूट्यूबर्स 9 पे दूसरे नंबर पे, 8 पे चैंपियंस, 8 पे इंस्टाग्रामर्स। सारी टीम्स अभी तक तो गेम चेंजर में है। देखना यह है कि आज सीजन 14 का पहला गेम चेंजर कौन सी टीम खेलेगी और कौन सी टीम यहाँ जीतेगी। कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। गेम शो ऐसे चलेगा। सिंगिंग कंपटीशन। आइए जल्दी से दिखाइए आज कौन कौन गाना सुनाने आया। मुझे अभी से चक्कर आ रहे, सोच के चक्कर आ रहे मुझे। सबसे पहले आहा इंस्टाग्रामर्स आएंगे सब। आए बेहोश होने वाला हूँ। चलो भाई, पहले इंस्टाग्रामर्स, दूसरे नंबर पर टिकटॉकर्स। आए फिर चक्कर आ रहे, ये लोग कौन कौन गाना गाने आया। फिर है यूट्यूबर्स, ठीक है, और आखिर में आएंगे आए। चलो भाई, हाँ भाई कौन सा गाना है? बड़ी गलत गली जा रहे हो दोनों, बता रहा हूँ। पलट लो। रेडी गो। आहा, ये पकड़ लेना भाइयों। मानो कि अंजुमन में जबरदस्त। आओ भाई, सेकंड कौन था? सेकंड कौन है? आई। कौन सा गाना है? कभी जब बादल बरस। बरस यही बरस रे, यही बरस का बादल। कभी जो बादल बरसे मैं देखो तुझे आगे करके, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलों में पहलू मैं खुद को पागल कहलू, तू गम दे खुशियाँ सहलू साथिया। ओ हाँ पे कौन सा गाना है आज? दिल संभल जा जरा। अरे हाँ सही है, फिर ठीक है, गो। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना क्या बात है। मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से मैं गुजरा। शायद यही दिल में मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना हो, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल बहुत आला, जबरदस्त, बहुत आला शेष, बहुत आला भाई कशफ, जबरदस्त। हाँ भाई, आमिर गा रहा है क्या? हाय, अच्छा आज उमैर है। सर हम तेरे बिना हैं, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि तुम ही हो। आ जाओ उमैर, तुम ही हो, वो तुम हो। डिसाइड करेगी मेरी टीम और खास तौर पे सफदर के भाई इनमें सबसे बेहतर कौन था, 2 पॉइंट्स का हकदार कौन है, 1 पॉइंट किसके साथ जाना चाहिए। ओवर टू यू। अच्छा जी 2 पॉइंट तो सीधे सीधे अपने जो यूट्यूबर्स के पास। हाँ जी बहुत अच्छी फ्लॉलेस सिंगिंग थी, 2 पॉइंट जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ। अच्छा मुकाबला रह गया इंस्टाग्रामर्स, टिकटॉकर्स और चैंपियंस का। देखिए इंस्टाग्रामर में जाहिर सी बात है बहुत अच्छा गाया, ज़ैन ने बहुत ही कमाल का गाया। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर सी बात है पार्टनर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जी। तो बाकी जो तीनों के साथ जो यही हुआ है और तीनों के साथ 1 पॉइंट जाना चाहिए और इनके साथ 2 पॉइंट जाने चाहिए, हमारी तरफ से तो ये फैसला है। अच्छा आपको समहाउ क्या लगता है कि इरज ने बाकी लड़कियों से बेहतर गाया है? नहीं स्केल में ये लेकर आए, आप लेकर आए थे। अच्छा वो दूर से बाहर गा रही थी, लीड बजा के फिर लेके आना पड़ा तो फिर वो आ गई थी वापस, लेकिन स्टार्ट उनका भी ऐसे ही था। यहाँ हमजा ने अच्छा गाया था, हमजा ने अच्छा गाया था। उमैर ने बहुत अच्छा गाया है, उमैर ने बहुत अच्छा गाया है। अगर तुम थोड़ा सा सुर में गा जाती ना आज तो इनके 2 पॉइंट्स तुम लोगों के पास चले जाते हैं, लेकिन अब 2 पॉइंट्स जाएंगे यूट्यूबर्स, बाकी तीनों टीम्स के साथ जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा। एक पल दूर गवारा नहीं मैं। अच्छा इसमें भी तीसरा प्लेयर तो नहीं खेलेगा, ये लड़के ही खेलेंगे और 2 दिन लड़के शफल हो जाएंगे। हाँ जी बॉल ढाके जाएगा तीसरा प्लेयर आपका, आज जो लड़का खेल रहा है कल दूसरा लड़का आएगा, परसों फिर तीसरा लड़का आ जाएगा खेलने के लिए। चलिए भाई खेलने के लिए सबसे पहले जो टीम आएगी वो टीम है टीम यूट्यूबर्स, दूसरे नंबर पे इंस्टाग्रामर्स। यूट्यूबर्स जगह पे जाओ जल्दी से, इंस्टाग्रामर्स सेकंड, थर्ड चैंपियंस और आखिर में आएंगे टिकटॉकर्स। 30 सेकेंड है अब तुम लोगों के पास, इसको पकड़ो आगे बाबर, यहाँ रहोगे तुम, इसको हिलाओगे नीचे करते, 30 सेकेंड है। हाँ झूला आपका पार्टनर देगा, बॉल ही रख देंगे आप जाएं झूला दें। रेडी गो। एक वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना इसे आता है, हर निकले के मैदान में हम डूब गए। टाइम अप, 2 स्कोर कर दिया शायद ने, शानदार मुश्किल गेम है ये, 30 सेकंड में 2 स्कोर। हाँ मैंने तुम लोगों को इसलिए टीम में झूला देने के लिए कहा है कि तुम दोनों आपस में तुम्हारी कोऑर्डिनेशन आगे जाके बेहतर हो जाए और इसके हिसाब से जो प्लेयर खेल रहा है उसके हिसाब से तुम उसको स्विंग करो। रेडी गाइस, 2 स्कोर ज्यादा करना है, रेडी गो। अरे निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम गए, धरती डोलेगी ये कदम चूम के, अरे निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम गए, धरती डोलेगी ये कदम चूम के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर। चलो अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। टाइम अप, जो तुम ज्यादा ओवर फेंक रहे थे उसको स्विंग ज्यादा तुम्हें देनी चाहिए थी, जो ये ज्यादा ओवर फेंक रहा था वो 2 दफा बचा है। खैर कोई स्कोर नहीं किया इंस्टाग्राम ने, बारी आई चैंपियंस की। चलो भाई आमिर को चूल्हा देने आया उमैर, चलो भाई रेडी गो। जोर से शाबाश शाबाश शाबाश, चलो। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, एक बाजी को चलो जिसे आता है, आमिर ने 1 स्कोर कर दिया है। 1 स्कोर कर दिया आमिर ने चैंपियंस के लिए। 2 स्कोर करोगे तो भाई 2 पॉइंट से अब कम से कम 1 स्कोर करना ही पड़ेगा अगर 1 पॉइंट विन करना है। हमजा आज तुम देख लो ये गेम कैसे खेला जाएगा क्योंकि कल तुमने खेलना है ये गेम। रेडी गो। अरे निकलेंगे मैदान में शाबाश शाबाश शाबाश, आराम से डूब जाओ। अरे निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रखे। चलो 10 सेकंड के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरी जान। बैड लक। चलो जी, कोई स्कोर नहीं है टिकटॉकर्स ने, 2 पॉइंट जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ और 1 पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ। हो जाएगा इस सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। और क्या कह रहे हैं? हमारी बाजी को जितना इसे आता है। नेक्स्ट रिंग्स ऑन पोल। आओ जल्दी से, एक प्लेयर खेलेगा, अकेला खेलेगा लड़का, रिंग्स उठा के लाओगे आप लोग जो दो पार्टनर्स हैं। कल दूसरा प्लेयर, परसों तीसरा प्लेयर, रिंग्स उठा के लाएंगे आपके दोनों प्लेयर्स। चलो भाई आओ जल्दी से, 30 सेकंड्स का टाइम है। करीब करो, थोड़ा राइट पे लाओ इसको, थोड़ा बाहर करो, थोड़ा सा बाहर करो इसे, बस आ जाओ भाई। ये यही रखा जाएगा, देख लो जो ये वाली बॉल है इसके सेंड यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले खेलने के लिए जो टीम आएगी वो टीम है इंस्टाग्रामर्स की, सेकंड होंगे टीम चैंपियंस, थर्ड है टीम यूट्यूबर्स और आखिर में आएंगे टिकटॉकर्स। ये लो 30 सेकेंड्स का टाइम है, 30 सेकेंड्स हर प्लेयर के पास। हाँ ये प्लेयर्स रखे इसलिए दो कि तुम्हें रिंग्स लाके देंगे, ये सही है, तीसरा प्लेयर रिंग लाके देगा तुम्हें। 30 सेकंड्स है, रेडी गो। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जवानों से अल्लाह बचाए। नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमालों से अल्लाह बचाए। टाइम अप। 2 स्कोर किया है, 2 स्कोर किया। हाँ अलग अलग के बाहर आ रहे थे तुम्हारे। 2 स्कोर किया है उसामा ने टीम इंस्टाग्रामर्स के लिए। बारी आई है टीम चैंपियंस की। कम ऑन चैंपियंस। रेडी आमिर, रेडी इरज, रेडी गो। बचाए मैं जवानों से अल्लाह बचाए। हर बला हर बला हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। बस नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जवानों से अल्लाह बचाए। बहुत आला भाई, 7 स्कोर कर दिया आमिर ने चैंपियंस के लिए। हराने के लिए 7 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। 2 स्कोर करके इंस्टाग्रामर्स दूसरे नंबर पर है। बारी आई है टीम यूट्यूबर्स की। चलो भाई क्या है, रेडी गो गो। क्या मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। लूट लेती है, लूट लेती है, लूट लेती है। 3 स्कोर किया यूट्यूबर्स ने। हाँ हाँ दोस्त, दो हाथ से खेल सकते, जैसे खेलना चाहे, जो जैसे खेल सकता है। 7 स्कोर करके चैंपियंस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यूट्यूबर्स ने। 3 स्कोर करके इंस्टाग्रामर्स बाहर हो गए। बारी आई टिकटॉकर्स की। रेडी गो। मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेती, 5 लूट लेती है, लूट लेती, 6 मुस्कुरा गए, इनकी नजरों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। अरे पैनिक कर गए तुम, बहुत टाइम बाकी था तुम्हारे पास। मेरी बारी भाई। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ, 2 चैंपियंस के साथ और 1 यूट्यूबर्स के साथ। चलो भाई 30 सेकंड्स, रेडी गो। आमिर से अल्लाह बचाए, अरे 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 अरे, जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। करबला यहाँ का मैं सिकंदर। कितने हो गए भाई? 9-10 हो गया ना। 2 पॉइंट जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ, 2 टिकटॉकर्स के साथ और 1 पॉइंट जाएगा यूट्यूबर्स के साथ। हो जाएगा भला सर पे आ जाए लेकिन उस वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। अच्छा जी, हमारी टेक्निकल टीम में होते हैं फुरकान, उनकी भांजी हैं अक्सा नाज़िम, उनकी बर्थडे तो हमारी तरफ से बेटे आपको हैप्पी बर्थडे, जीती रहिए, खुश रहिए। आओ भाई, तुम लोगों का फेवरेट गेम आ गया। बड़ा मुश्किल गेम था पुराना। हाँ क्या खेलती है कशफ ये गेम? कशफ खेलती है ये गेम। चलो भाई, सबसे पहले खेलने के लिए आएंगे इंस्टाग्रामर्स, दूसरे नंबर पे होंगे टीम चैंपियंस। आज जो दो प्लेयर्स होंगे कल वो चेंज हो जाएंगे, फिर टिकटॉकर्स और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। हाँ हाँ, लड़कियां लड़के जो है वो फंसा के लेके नहीं जाएंगे रिंग को। आप यहाँ फंसा सकते हो, रिंग को फंसा लो, हाथ से नहीं पकड़ना है। बिना देख लो, एक दफ़ा देख लो, ये लोग खेलने आएंगे जैसे दुआ खेल रही है। इरज एक दफ़ा देख लेना। अच्छा, इस बार से पहले पहले रिंग रखना है, थोड़ा पीछे कर लो इसे, इसको थोड़ा गैप कर दो ना, दोनों टकराए ना, बस। चलो जी, 40 सेकंड्स का टाइम है। रेडी गो। एक, ये दोनों करेंगे तो एक काउंट होता है, याद रखना। ये बात, दुआ को स्कोर करना जरूरी है, उसामा दुआ को स्कोर करना जरूरी है, समझ लेना। सुकून से टाइम है अभी, पहले स्कोर कर लो। जाओ जल्दी जाओ, दुआ का स्कोर करना जरूरी है। 2 स्कोर किया टीम इंस्टाग्राम से, इसका मतलब है क्योंकि तुम लोग इस गेम से काफी दूर हो, मुश्किल गेम्स तुम लोगों ने छोड़ दिए खेलना, इस वजह से हो रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखना, जब हम लोग 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद ये गेम खेल रहे होंगे तो यहाँ 5-5 भी स्कोर हो रहा होगा। खैर, 2 स्कोर किया है टीम इंस्टाग्रामर्स ने। बारी, अच्छा दोनों स्कोर करोगे तो एक स्कोर काउंट होगा। अगर एक प्लेयर ने स्कोर किया हो, जैसे उसामा ने 3 किए हैं, तो वो तीसरा स्कोर काउंट नहीं होगा। तुम खड़े रह के वेट करना कि आ जाइए। रेडी गो। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश, भागो भागो, कमाल है, जल्दी हाथ दे नहीं। शाबाश, सही है, ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ, गिराना नहीं, जल्दी से स्कोर करना जरूरी है रच के लिए। कोई तो रहता है सांसों चैंपियंस ने 1 स्कोर किया। इरज, पैनिक नहीं करनी होती, याद रखो। 15 सेकंड्स बाकी थे, तुम स्लो भी जाके दूसरा स्कोर कर जाती तो ये स्कोर काउंट हो जाना था। पैनिक ना करो, कोई भी चारों के लिए बता रहा हूँ, भले आखिरी स्कोर सिर्फ 1 रह गया हो, बस स्कोर करो, स्लो जाके कर दो, भले भाग के ना जाओ। अगले स्कोर का बाद में सोचना, पहले जो स्कोर करने जा रहे हो वो सोचो। कुछ कह रहे हो? वो दूसरा वाला जो रिंग है वो हो गया था और इसका नहीं होता तो, लेकिन इनको दोबारा जाना पड़ता क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया था ना वो वाला रिंग। कौन सा? एक ही तो स्कोर किया इसने। नहीं, जो उमैर भाई ने दूसरा रिंग डाला था ना। हाँ, वो तो फिर काउंट नहीं होगा। वो ये कह रहे थे कि होगा, मतलब वो काउंट नहीं होगा। अभी तो बताया मैंने तुम्हें, नहीं होगा। 1 स्कोर किया चैंपियंस ने, 2 स्कोर किया इंस्टाग्रामर्स ने। बारी आई है, अच्छा कल आप दोनों खेलने आ रहे हो। हमाद, क्या नाम है तुम्हारा, हमजा, एक दफा देख लेना किस तरह खेला जाएगा, क्योंकि तुमने रिंग को यहाँ फंसाना नहीं है, तुमने रिंग को बैलेंस करके लेके जाना है यहाँ पर, इस पूरे पोर्शन पे। रेडी गो। ए, क्या बात है, क्या बात है। बहुत आला यार फजीला, बहुत आला। चलो हमाद, बाहर हो तुम। मैं अब और किसी से क्यों हमाद, तुम्हारा स्कोर करना जरूरी है। आज तू बदला, रुक जाओ तुम। अब तेरी ही आहट है। टाइम अप। 3 स्कोर काउंट हुआ, तुमने स्कोर आगे होकर किया था वो मैं काउंट नहीं करता। किसका? मतलब तो खैर पहला दिन है ये, इतनी कोई अभी एलिमिनेटर्स या क्वालिफायर्स थोड़ी यार छोटी छोटी बातों पे नहीं, थोड़ा सा ही जाने दो। 3 स्कोर किया है टीम टिकटॉकर्स ने, 2 स्कोर किया इंस्टाग्रामर्स ने और 1 स्कोर करके चैंपियंस बाहर हो गए। बारी है तुम लोगों की, रेडी गो। आराम से कशफ, शाबाश। इमरान का स्कोर करना जरूरी है, आराम से 2 स्कोर करो पहले। जाने जा आज तू साथ है, तेरी ही आहट है राहों में। शाबाश, आराम से। अगर तुम वो पहला स्कोर कर जाते ना जो तुमने वहाँ शुरू में पहला स्कोर नहीं किया तो शायद, क्योंकि देखो बात तुमने अपने पार्टनर के स्टैमिना के हिसाब से चलना है। अगर तुम्हें लगता है कि तीसरा चौथा स्कोर नहीं कर पाएगी तो तुम्हें गलती नहीं करनी है फिर। एक हाँ जो तुम नहीं, तुमने रिंग बाहर फेंक दिया था। एक स्कोर आपने किया, एक आपने किया, दोनों बाहर हो गए। 2 अभी तुम लोगों की बारी है। तो 3 स्कोर टिकटॉकर्स ने किया, 2 पॉइंट जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ। हो जाए समझ लेना। आओ भाई जल्दी से, रिंग्स निकालने वाला गेम है, इसके बाद एक्टिंग रह गई है, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहला मुकाबला किन 2 टीम्स के, ये मेल प्लेयर्स ही खेलेंगे तीनों दिन। सबसे पहले इंस्टाग्रामर्स वर्सेस चैंपियंस, इंस्टाग्रामर्स वर्सेस चैंपियंस। कौन खेलेगा पहले? चैंपियंस की तरफ से उमैर है, इंस्टाग्रामर्स की तरफ से लड़के खेलेंगे तीनों दिन। आज जो आएगा प्लेयर वो कल रिपीट नहीं होगा, परसों आ सकता है फिर वो। आज कौन आ रहा है? चैंपियंस का मुकाबला इंस्टाग्रामर्स के साथ। चलो भाई फिर बता रहा हूँ, याद रखो जब रिंग्स रख लो, इधर देख लेना, रिंग्स रख के एक दफ़ा बैठना ज़रूरी है और ख़ास तौर पे तुम बैठना एक दफ़ा, फिर निकालना सारे रिंग्स। जो टीम जीती वो फाइनल खेलेगी। नहीं तुम्हें लेफ्ट फेंकना है और अगर तुम कहते हो टॉस कर सकता हूँ मैं, लाओ भाई टॉस। बोलो, हेड इट इज। टॉस ही जीत गए, इनकी मर्जी की जगह होगी। चलो भाई अब उमैर तुमने राइट फेंकना है बॉल को, ज़ैन तुमने लेफ्ट फेंकना है बॉल को। अरे 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 ये क्या हुआ भाई? रेडी गो। तो कुछ देर पाके रख ले, पल विच मुखड़ा लुका के रख ले। चैंपियंस फाइनल में कभी भी तुम हेल्प आउट नहीं करोगे। गलती कर दी थी उसने, गलती तुम्हारी सुधार दी थी सही करके, लेकिन ये चैंपियंस आ गया फाइनल में। मुकाबला है दूसरा यूट्यूबर्स का। आ जाओ जल्दी से टिकटॉकर्स के साथ, जो जीता वो चैंपियंस से फाइनल खेलेगा। जल्दी 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 जगह पे आओ। हाँ सारी बॉल सही, तुमने भी बिल्कुल सही खेलते के थे, आखिरी बॉल यहाँ फेंक दी तुमने, वरना तुम उससे आगे जा रहे थे। तुम वो तो स्लो खेल रहा था, लेकिन उमैर के साथ किस्मत थी और उमैर ने फिर कमबैक भी किया। शाबाश, चैंपियंस आ गए फाइनल में। आए गो। तो कुछ देर पाके रख ले, पल विच मुखड़ा लुका के रख ले। तो कुछ देर पाके रख ले, पल विच मुखड़ा लुका के रख ले। यूट्यूबर्स आ गए फाइनल मुकाबला चैंपियंस के साथ है। असल में अगर इसके अंदर क्विक होना ना तुम्हें, तो इसका एक ही टेक्निक है जो मेरे हिसाब से, बॉल फेंक के जिस जगह जंप करो वहाँ पकड़नी है बॉल, फिर जब तीसरी जगह जंप करो उसको पकड़ के फिर बाहर फेंको। आओगे टाइम लगाओगे, जंप किया फिर बॉल ली और फेंकी, जैसे कि शेष खेलता है, जैसे कि ज़ैन खेलता था, ज़ैन असमीर, वो भी टक 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 टक, और जैसे कि ज़ैन बलोच खेल रहा था अभी, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था। बॉल फेंकना है, बाकी तो फिर आधा काम रह गया है। चलो भाई मुकाबला है, गलतियां ना करना। शेष को याद आ गया था बैठते बैठते, इसको याद आया एकदम से गलती की, फिर बैठ गया ये, अभी भी गलती करने वाला था। रेडी गो। देख रहे हो, 2 पॉइंट जाएंगे यूट्यूब यूट्यूबर्स के साथ एक पॉइंट जाएगा, चैंपियंस के साथ हो जाएगा। तो कुछ देर पाके रख ले, पल बीच मुखड़ा लुका के रख ले, एवे करी ना किसे टाइम प्यार, मुंडिया तो बच के रही। अली कितना टाइम है? हुणे हुई मुंडिया, मुंडिया तो बच के रही, तो हुणे हुणे हुई मुंडिया, मुंडिया तो बच के रही। चलो भाई नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, जल्दी से आइएगा। अच्छा ये भी याद रखो किसी दिन भी कोई भी गेम चेंज होके भी आ सकता है, गेम्स हमारे पास बहुत सारे हैं, किसी भी दिन कोई भी गेम आ सकता है। अच्छा जी सबसे पहले खेलने के लिए आएंगे चैंपियंस एक्टिंग करने के लिए, दूसरे नंबर पे होंगे टिकटॉकर्स, तीसरे नंबर पे इंस्टाग्रामर्स हैं और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। अच्छा जी चैंपियंस की एक्टिंग सिचुएशन मैं बता रहा हूँ और फिर आपने अपने हिसाब से जो भी एक्टिंग कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम होगा तुम्हारे पास पूरा 60 सेकेंड्स का। सुने आज की भी छुट्टी कर लेना, तुम्हारा रोज का यही मसला है, मालिक नौकरी से निकाल देगा मुझे। बेगम जो है फॉर एग्जांपल ईद की छुट्टियां खत्म हुई है, सही है, 5 दिन की लंबी छुट्टी आप लोग घूम फिर के वापस आ गए। अब बेगम आपसे कह रही है कि आज भी छुट्टी ले लें आप, और ये बसे थे कि आप छुट्टी ले। अब इसका जो बॉस है वो बहुत सख्त हो गया, नहीं भाई मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसमें जितनी भी तुम चीज़ें ऐड कर सकते हो कर लो, आखिर में जज किया जाएगा एक्टिंग पे और तुमने क्या चीज़ इम्प्रोवाइज की है उसमें। अच्छा दानिश भाई वो ये तो नहीं होगा कि सिर्फ जुगतें जो अच्छी मारेगा उसको ही पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं देखो हर चीज़ को हिसाब में रख के फिर डिसीजन लिया जाएगा। एक्टिंग भी अगर किसी ने इम्प्रोवाइज़ करना है वो भले कॉमिक वे में करे या फिर वो सीरियस वे में करे, लेकिन इम्प्रोवाइज़ क्या करा है क्योंकि सिचुएशन तो छोटी सी है, काउंट होगा कि तुम लोग उसमें ऐड क्या कर रहे हो अपनी तरफ से। सही है 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आ जाओ। चलिए जी डिसाइड आप लोग भी करेंगे, डिसाइड मैं भी करूंगा, आप इधर देखिएगा कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस किसकी लगती है। अच्छा जी बेगम आप ये हैं और आप मैं शोर हूं सर, वो बॉस है। ओके चलो जी रेडी गो। उमैर उठे ना, मैं तो कह रही हूँ कि आज भी छुट्टी कर लें आप, बस टूर पे चलते हैं हम लोग ना, चलो यार बहुत टाइम हो गया है। छुट्टी कर लेते हैं यार, ऐसा करते फिर मांग मांगी खा लेंगे पूरे साल। यार क्या करूँ काम पे नहीं जाऊँ, बॉस निकाल देगा। 5 दिन तो तुम्हें घुमा फिरा के लाया और क्या करूँ यार, जितने पैसे थे ना मेरे पास ईदी के वो सब तुम पे खर्च कर दिए। बस कर दिया, अभी मैंने आपको कहा था कि मुझे जाना है मालदीव जाना है, आपने कहा कि छोड़ो। अबे माल्टा जाओ, माल्टा मालदीव जाओगी तुम? भाई कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो जाएगी, बॉस मुझे निकाल देगा। नहीं पता एक तो नौकर भी कब, अरे यार एक तुम सबको बस सलाम सुनने के लिए मैं यहाँ आया। उससे पूछो वो मेरे को तंग करती है। भाई मेरी देरी से तू क्यों नहीं आ रहा, इसको क्यों नहीं छोड़ रही आप? भाई मुझे नहीं पता। अच्छा आप इसके बॉस हैं? ये सारा काम मेरा डब पड़ा हुआ है, कोई काम पता है तुम्हें? तुम्हारे भरोसे कंपनी चलती है। हालांकि बॉस ओपन काम 3 डब्बे का करते हैं। तुम मैं आज ही इसको फायर करता हूँ। टाइम अप। चलो भाई बारी किसकी है? सेकंड कौन था? सेकंड है टिकटॉकर्स। शोहर का बीपी हाई और बेगम का लो हो रहा है, दोनों खाना अपने बीपी के हिसाब से बनाने का सोच रहे हैं और आपने रख लिया है एक अदद शेफ घर के अंदर, सही है। अब वो पूछ रहा है खाना क्या बना रहा है, जिसका शोहर का जो बीपी है वो हाई हो रहा है तो अपने हिसाब से बता रहा है कि नमक मत डालना और ये सारी चीज़ें, जिसका लो हो रहा है वो कह रही नहीं तुम इसके अंदर सारी वो चीज़ें डालो जिससे हाई हो। दोनों में झगड़ा हो सकता है, दोनों कुछ भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। एक शेफ़ है जो घर में आया है, आपने अभी रखा है, ये नया कोई शेफ़ आया घर के अंदर और आप दोनों मियाँ बीवी हैं घर के अंदर। सिचुएशन ये आ जाओ जल्दी से, बहुत मजे की सिचुएशन है। 60 सेकेंड है आप लोगों के पास। हमाद, फजीला और हमजा आ जाओ जल्दी से, रेडी गो गाइस। आज क्या बनाऊं खाने में? बेगम जी मेरी जान बीपी बहुत हाई हो रहा है मैं। क्यों? हाँ पता नहीं आज क्या देख लिया क्या खा लिया, बस बीपी बहुत हाई हो रहा है। चलो देखते हैं क्या बनवाना है, बताएं क्या खाएंगे आप? हमजा को बुलवाओ। ओह आ गया हमजा। सब क्या बनाना आज? हाँ यार मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है तो खाना जो भी बनाएगा ना उसमें नमक वगैरह ऐसी चीजें कोई ना डालना। नहीं कल भी तुमने नमक नहीं डाला था, मुझसे नहीं खाया जाता। मैं थोड़ा सा नमक डलवा दो ना, मुझे टेस्टलेस हो जाता मुझसे। तुम्हारा बीपी लो हो रहा है बेगम? क्यों तुम्हारा बीपी क्यों लो हो रहा है? जूस भी ले आओ, मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। ओके और आपका? नहीं आज खाना एक ही खाना बनेगा, इतना पैसा नहीं है। मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है, कल भी तबीयत खराब थी पूरे दिन, पता नहीं क्या। नहीं बेगम मेरा बीपी तो हाई है ना, लेकिन नमक शमक नहीं डालना। नहीं जूस भी ले आओ तुम, हम दोनों के लिए ऑरेंज जूस ले आओ। और ठीक है, और ना खाना अच्छे से बनाना। अबे तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी, तुम्हारे अब्बा का पैसा है, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। तो शादी में उससे की है ना, तो फिर अब्बा के साथ कर लेते हैं। एक काम करो खुद बना लो, मैं जा रहा हूँ। देखो तुम्हारी चक्कर में तुम्हारी वजह से हुआ। अरे बस टाइम आप। हाँ बताए नेक्स्ट कौन है? इंस्टाग्रामर्स। मुझे नहीं पता आज पहला रोज़ा है, आप घर पे इफ्तार करेंगे वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। बेगम जो है, हस्बैंड जो है उसको जाना है। हाँ, मुझे नहीं पता आज पहला रोज़ा है, आप घर पर इफ्तार करेंगे। सही है, ये सिचुएशन है, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। सुन लो, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। पहला रोज़ा है, बॉस ने छुट्टी नहीं दी, इसने कोशिश की होगी, लेकिन बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसने बोला भाई मैं इफ्तार वहीं जाके करूंगा, और ये सहरी पे घर आता होगा और अब जो है ये इफ्तार वहीं जाके करेगा। तुम बदी तो तुम रोना शुरू करके वहाँ से बॉस की कॉल आ रही है, और आपस में जो सिचुएशन है तुम लोग मजे की बना सकते हो। आ जाओ, चलो भाई 60 सेकेंड है तुम लोगों के पास, टाइमर दीजिएगा गाइस। रेडी गो। मेरी जान। ओके बेगम, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आप कहाँ जा रहे हैं? जाके दिखाएं, आज पहला रोजा है, आप मेरे साथ इफ्तारी करेंगे। अरे बेगम पहला रोजा है, लेकिन महीने की आखिरी तारीख भी है, तनख्वाह मिलनी है मुझे आज। आप चलो। नहीं, आप मुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, आप नहीं जाओगे। अगर आप गए तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। अरे बेगम मेरी बात सुनो। हाँ, नहीं। अरे 2 मिनट जी बॉस, बॉस आ रहा हूँ सर। अरे अरे आपसे बाद में बात करते हैं, आप मेरे साथ। अरे मैं जॉब से निकाला जाऊंगा बेगम, पागल हो गई। अच्छा बेगम मेरी बात सुनो, बेगम रमजान के बाद ईद भी आएगी, ईद पे तुम्हें शॉपिंग करनी है ना? हाँ, सैंडल भी लूंगी, ईदी भी लूंगी। हाँ तो फिर बेगम मुझे काम पे जाने दो। है नहीं, इफ्तारी मेरे साथ करेंगे। अब जाने दे यार, इफ्तारी मेरे साथ करेंगे। देख मेरे सर पे बाल भी नहीं है, इतने परेशान ना करके मैं पागल हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दे, जाने दे मुझे। जबरदस्त। लो भाई नेक्स्ट है यूट्यूबर्स। अचानक चांद रात होने की वजह से दफ्तर में काम बढ़ गया है, मगर बेगम वहाँ भी पहुँच गई है, मुझे घुमाने लेकर चलो। अच्छा, एक ऑफिस है जहाँ पर काम बहुत बढ़ गया, अचानक चांद रात होने की वजह से बॉस ने बोल दिया सारा काम जो 3-4 दिन का वो तुमने आज ही करना है, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियाँ आ रही है। अब तुम्हारे बेगम की कॉल आती है, बेगम अब तुम्हें पता है तुम्हारी बेगम जो है ना बहुत मतलब तुम्हारी बात कम सुनने वाली है, तो बेगम ऑफिस पहुंच जाती है और वहाँ पर आके पूरे ऑफिस को उसके सर पे उठा लिया और तुम्हें घसीटती भी लेके जाएगी, चलो मुझे घुमाने लेके चलो, आज चांद रात हो गई। पीछे से बॉस आपको पकड़े होंगे और ये सिचुएशन। आओ जल्दी से, बहुत मजे की सिचुएशन है तुम लोगों की। 1 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास। अचानक चांद रात हुई है। हेलो। सुकून से काम हो रहा था, अचानक ऐलान हो गया चांद रात हो गई, रात के 12 बजे चांद रात हो गई। रेडी गो। इमरान बेटा आज ये पूरा असाइनमेंट खत्म हो जाना चाहिए। जी जी सर, जी जी सर। क्या चांद रात हो गई? आ रहा हूँ सर, चांद रात हो गई, मुबारक हो। मुबारक हो। तो खैर मुबारक सर, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? वो बेगम को शॉपिंग वॉपिंग करानी है, चांद रात है। बेटा बहुत काम बाकी है, 12 के बाद चले जाना। चल सर चांद रात है आज। कोई बात नहीं, कुछ शॉपिंग नहीं की बेटा, थोड़ा सा काम रह गया, करके चले जाना। चल कोई नहीं कर ले। इमरान आज चांद रात है, तुमने मुझे कल भी बोला था शॉपिंग ले जाने के लिए, आज तुम आज भी घर पर नहीं आए हो। अबे चांद रात हो गया, अजाब आ गया, क्या आ गया? बेगम मेरी बात सुनो, मैं पहुंच रहा हूँ घर पे, ये थोड़ा सा बॉस ने काम दे दिया, ये 4 घंटे का काम है, ये निपटा के तुम्हारे पास फौरन आ रहा हूँ, पहुंचो। नहीं अब मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। तुम्हारा बॉस किधर है? उसको बुलाओ, उससे तो मैं बात करता हूं। बॉस एक मिनट हाथी भाई प्लीज बच्चे को काम करने दो। अरे सर बॉस इज्जत करे, मेरी वाइफ ही है। अच्छा वाइफ है। ये मुझे आपके बारे में बोलते हैं कि आप इसे छुट्टी दे देते हैं, लेकिन ये खुद घर नहीं आता है। कैसे अपना? बेगम मेरी बात सुनो, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। टाइम अप। तुम लोग तो लेके ही नहीं गए यार, तुम मिस कर दिए, इतने मजे की सिचुएशन दी तुम लोगों की। चलिए भाई डिसाइड आप लोग कीजिए इनमें से बेहतर कौन है, 2 पॉइंट्स किसके साथ जाएंगे और 1 पॉइंट। आपको क्या लगता है? सिचुएशन लास्ट वाली थी, बड़े मजे की थी, इसमें काफी कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और वो इमरान नहीं जो है वो शुरू होगा कि चांद रात हो गई है बॉस मैं चला जाऊँ, और ये हुआ ना ही शफक के आने पर कोई उसने कहा कि तुम ऑफिस कैसे आ गई या क्या हो गया, इस टाइप की कोई बात नहीं हुई। अच्छी थी आपकी सिचुएशन, बहुत अच्छी थी, लेकिन ये लोग उस तरह से कैरी नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से इन सब में जो मैंने एंजॉय किया सबसे ज़्यादा वो इंस्टाग्रामर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इन लोगों ने पूरा सही तरह कैरी किया, उसने इम्प्रोवाइज भी अच्छा किया, उसके दिमाग का जो एक हाजिर दिमागी थी ना, जो कुछ जुमले थे जो उसने ऐड किए वो बड़े मजे के। बिल्कुल ऐसे ही मेरे हिसाब से भी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस तुम लोगों में अगर किसी ने किए वो इंस्टाग्रामर्स की थी। 2 पॉइंट्स जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, मुकाबला रह गया 1 पॉइंट का। इन लोगों ने तो खैर सिचुएशन पूरी नहीं की, जबकि छोटी सिचुएशन थी। दूसरी बात ये कि फजीला तुम हंस पड़ी स्टार्ट के अंदर, वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। हमाद बिल्कुल लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर जो हाई हुआ है, तुम्हें भी कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है वो हमाद को बताना पड़ा तुम्हें कि क्या हुआ बेगम तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ये सारी चीजें काउंट होंगी कंपटीशन के अंदर। वो इतना अच्छा करके गया है, वो शेफ बना हुआ था, भाई क्या बनाना है तुम, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते थे। जैसे उसने बोला यार अंडा बना लो, हाँ अंडा, चलो फिर नहीं नहीं बना लो, फिर आप बताया अरे भाई तुम लोग खुद ही बना लो जो बनाना है। वो करते ना ऐड में तो ज्यादा मजे का रहता। तीसरे प्लेयर को भी मौका दो बोलने का। हाँ बोलो दानिश भाई। एक तो पहले जो 2 पॉइंट उनको मिले, दुआ जो थी ना वो बीवी बनी हुई थी और वो जो है बच्ची लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कोई 7-8 साल की बच्ची है नॉर्मल में थी। अगर तो किसी सिचुएशन में बता रहा हूँ, अगर सिचुएशन तालियां बजा लो या सुन लूं, मेरी बात सुन लो। जो सिचुएशन के अंदर था ना वही था कि बेगम ने रोना शुरू कर दिया। अब ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिस इफ्तार करके जाएंगे बेगम ने रोना शुरू कर दिया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बच्चा बनना जरूरी है। मुझे पता है ये बात कि वो क्या कर रही थी, लेकिन उसकी सिचुएशन में थी ये बात कि बेगम को रोना था। रोना दानिश भी रोते तो ऐसे भी है ना, ये तो रो नहीं रही थी, ना 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 मुझे कुछ चॉकलेट चाहिए, ऐसा नहीं। मसला ये था कि इसके अंदर उसको बच्चा बन के ही रोक सकती थी, क्योंकि ये कोई सीरियस मैटर नहीं था रोकने के लिए। सिमिलरली दानिश भाई, जब फजीला का भी जो आप हंसने का जैसे कह रहे हैं, फजीला माइक पे नहीं हंसी। नहीं मैं बताता हूँ, मैंने खुद देखा फजीला। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ कैमरा पे ऐसा हुआ होगा कि हंसी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। एक हम लोगों ने एक सीजन किया था जिसमें लारेब शाहताज और शेष भाई साथ थे, जिसमें लारेब ने प्रॉपर जो है ना प्रॉम्प्ट करके शाहताज को बोला था, वो डायलॉग भूल गई थी, लेकिन लारेब ने माइक अपना ये कर लिया था, तो अब उसमें वो काउंट नहीं होता क्योंकि वो चीज माइक पे नहीं आई थी। सिमिलरली माइक पे नहीं आई थी, ये कैमरा था इसके ऊपर और ये हंस रही थी, इसने छुपाया थोड़ी अपना फेस, ये सामने हंसी है कैमरे के। हमाद माइक में नहीं, ये कैमरे मतलब इसका सिमिलरली तो दानिश भाई इस तरह से तो लारेब भी छुपा हुआ है ना कुछ, और आप कुछ कर रहे हो और मैं यहाँ से फिगर आउट कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, वो तो चल जाएगा। सिमिलरली दानिश भाई, लेकिन देखो देखने के लिए ऑडियंस है वहाँ पर, और वो जो टीम बैठी है ना वो तुम्हें ये वहाँ से यहाँ नहीं देख रही होती, वो तुम लोग को वहाँ देख रही है बिग स्क्रीन। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने जो चीज वो उन्होंने वहाँ नोटिस किया कि ये हंसी थी, बाकायदा हंसी है। मैं तो खुद भी कह रहा हूँ, पर मुझे सिर्फ ये था कि आप जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब लारेब ने भी जो जेस्चर किया था वो प्रॉपर कैमरा पे आया था, मुझे याद है वो बात। लेकिन लारेब ने ऐसे था, लारेब का मुँह छुपा हुआ था उसके अंदर, उसने जो उसका एक्सप्रेशन था वो मैं देख रहा था यहाँ खड़े होके, क्योंकि मुझे दिखा रहा था कैमरा वहाँ है। अगर उसका सर है और ऑडियंस को नजर नहीं आ रहा तो ये मैं देख सकता हूँ, वहाँ तुम कवर कर सकते हो। अगर तुम्हारी फेसिंग कैमरे की तरफ है और ऑडियंस देख सकती है कि तुम क्या करो, वो गलती काउंट। ठीक है खैर, 2 पॉइंट्स जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ। चैंपियंस, तुम लोगों ने सिचुएशन पूरी कर दी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारी इरज है, बेगम जो बनकर आई थी, वो जैसे कि आप कहीं वेकेशन से आते हो तुम्हें वैसे ही खुश खुश आना चाहिए था, खुश खुश आके चाय देती, चलो भाई ये वेकेशन तो पूरी हो गई, आज हम फिर से कहीं और चलते हैं, तब मजा आता कि वो तो अपने एक्टिंग कर रहा था प्रॉपर, लेकिन तुम वेकेशन से घूम के भी गुस्से में आ रही हो, आज भी हम कहीं चलते हैं। क्यों? सिचुएशन पूरी कर दी, और इसका बेनिफिट इसलिए मिला कि ये लोग अपनी ये पूरी नहीं कर सके सिचुएशन, वो हंस दी, इस वजह से 1 पॉइंट जा रहा, वरना ये 1 पॉइंट इनका था। लेकिन दानिश भाई, उसामा ने तो अच्छी एक्टिंग की, ठीक है, लेकिन दुआ ने ओवर कर दिया थोड़ा। देखो मसला रोना एक चीज होती है, लेकिन ओवर करना, अगर तुम कंपेयर करोगे उसके साथ अपनी प्लेयर के साथ तो दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं है। वो बिल्कुल ही कैरेक्टर से आउट आई थी, तुमने सिचुएशन पूरी कर दी, मैं तुम्हें कहता हूँ, वरना 1 पॉइंट तुम लोगों के साथ नहीं जाना था, वो टिकटॉकर्स के साथ जाना था, उन्होंने ज़्यादा बेहतर एक्टिंग की थी, लेकिन क्योंकि वो बीच में सिचुएशन में हंस दी थी और हमाद उसको याद दिला रहा था, तो वो सारी चीज़ें काउंट होंगी। 2 पॉइंट इंस्टाग्रामर्स, 1 पॉइंट चैंपियंस हो जाएगा इस। बस ना टाइम हो गया ना, टाइम हो गया ना, समझ लेना। वक्त आ गया देखने का कि सीजन 14 का पहला गेम चेंजर आज कौन सी टीम खेल रही है। मुझे जरा पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा, कौन कौन सी टीम्स इन है और कौन कौन सी टीम्स आउट है। 15 पे टिकटॉकर्स, 16 पे यूट्यूबर्स आज फिर से गेम चेंजर खेलेंगे, 12 पे इंस्टाग्रामर्स हैं इन है, 14 पे चैंपियंस हैं इन है, सारी टीम्स इन है भाई, लेकिन खेलेंगे यूट्यूबर्स, देखते हैं किस्मत इनके साथ है या नहीं। ये हमारे डिफेंडिंग चैंपियन है रमजान लीग के, अब देखना ये है कि क्या किस्मत इनके साथ है या नहीं। चलिए जनाब, माइक 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 जल्दी से, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और एक प्लेयर आपका वहां सामने दिखता रहेगा। रेडी गो, नंबर 4, 4 नंबर गो, नंबर 6 तुम बताओ, नंबर 6, 6 नंबर गो, नंबर 1, 1 गो, नंबर 8 और 8 नंबर दीजिएगा। अब बताओ किस टीम के पास कौन कौन से ब्रीफ केसेस जाएंगे। गो, नंबर 3 चैंपियंस, 3 नंबर चैंपियंस, गो। नंबर 2 टिकटॉकर्स। नंबर 2 टिकटॉकर्स, गो। नंबर 5 इंस्टाग्रामर्स। और नंबर 5 दिया है इन्होंने इंस्टाग्रामर्स को। आइए देखते हैं कि आज गेम चेंजर कौन सी टीम जीतती है। बताइए भाई कौन कौन से 2 चांसेस है जो पहले अवेल करना चाहते हैं आप लोग? नंबर 4 और नंबर 6 ओपन कराया है। नंबर 6 में क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को, और साथ नंबर 4 जो कि टीम यूट्यूबर्स ने मंगाया। 6 और 4 में से मैंने 6 बाहर कर दिया भाई। अगला ब्रीफ केस बताओ जल्दी से, टाइम जा रहा है। ब्रीफकेस नंबर 8 ओपन करवाया टीम यूट्यूबर्स ने। 4 और 8 में से मैंने 8 नंबर बाहर कर दिया। 15 सेकंड है तुम्हारे पास ये सोचने के लिए कि क्या तुमने कोई सा ब्रीफकेस स्वैप करना है या नहीं। रेडी, गो गाइस। टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। सर नहीं करना, बच गए हो तुम। टाइम आप, अगर ये 0 हो जाता तो ये पावर जाती फैसल के पास और वो फिर कोई सा भी ब्रीफ केस स्वाप कर सकता था। टाइम से पहले बोला करो। खैर जनाब लाइए ब्रीफ केस नंबर 1। इन्होंने कहा कि इन्हें ब्रीफ केस स्वाप नहीं करना है। 4 और 1 में से मैंने 1 नंबर बाहर कर दिया भाई। लाओ 3 नंबर जो कि इन्होंने दिया चैंपियंस को। चैंपियंस गेम चेंजर के अंदर इन थे लेकिन गेम चेंजर जीत नहीं सके हैं आज का ब्रीफकेस नंबर 2। लाओ भाई 2 ले आओ। आज का गेम चेंजर खेला है यूट्यूबर्स ने। ना 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 ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है टिकटॉकर्स को और यूट्यूबर्स को भी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 नंबर तुमने दिया इंस्टाग्रामर्स को। ले आओ भाई। आज की विनिंग टीम जो गेम चेंजर के साथ आज का मुकाबला जीत गई है। आज बहुत अच्छा खेले यूट्यूबर्स। आज चारों टीम्स बहुत बेहतर खेली है पहले मैच के मुकाबले में, लेकिन किस्मत आज जिस टीम पर मेहरबान रही है वो टीम है यूट्यूबर्स नहीं, इंस्टाग्रामर्स। 5 नंबर ब्रीफ केस में थे 10 लाख रुपए जो इन्होंने इंस्टाग्रामर्स को दिए और आज की विनिंग टीम रही है टीम इंस्टाग्रामर्स जो गेम चेंजर के साथ आज का मुकाबला जीत गई है। मैं कल मिलने आऊंगा आप लोगों से ठीक 7 बजे। देखना ना भूलिएगा गेम शो ऐसे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।